Hello everyone, good evening. Welcome to an Academy Neet guys. Hi everyone, dikh raha hai? Yes. Hi guys, how are you? I hope that your weekend was really good. You enjoyed in your weekend and aapne apne Sunday ko acche se use nahi, I should say acche se उसका यूटिलाइज़ किया होगा. एंड आज हम मिल रहे हैं तकरीबन दो दिन के बाद. आई हैड इन्फॉर्म्ड यू द रीज़न किस वजह से मैंने सैटरडे को क्लास नहीं ली. एंड आई होप यू गाइस दैट यू अंडरस्टैंड, है ना, बिकॉज समटाइम्स यू नो यू हैव टू गिव टाइम टू योर फैमिली एज वेल. चलिए कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक. अब तक हम कितना कर चुके थे, वी हैव टॉक्ड अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ यू नो ड्रग्स यूज़, रादर यूज़ से ज़्यादा हमने बात की उसके एब्यूज़ के बारे में, जो स्पेशली एडोलेसेंस के एज ग्रुप में होता है. दैट मीन्स जिस एज ग्रुप में आप हैं, पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, ये जो टीन एज वाला एज होता है ना, इस एज में सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं किसी ना किसी एब्यूज़ की तरफ इंक्लिनेशन हो जाना, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो टबैको हो, चाहे वो कोई ड्रग हो, चाहे वो ओपियम हो, चाहे वो हीरोइन हो, या फिर मॉर्फिन और एनी काइंड ऑफ ड्रग. हमने बहुत सारे ड्रग्स के बारे में बात की थी. वी ऑल्सो मेड वन अमेजिंग माइंड मैप, अगर आपको याद हो. सारा ड्रग्स वाला टॉपिक आपको मैंने इस बड़ी सी स्क्रीन पे सिखा दिया था. आज हम बात करने वाले हैं लास्ट टाइप ऑफ अब्यूज, इसके बाद अब और कोई अब्यूज़ नहीं बचा. आज आखिरी टाइप का अब्यूज़ है, दैट इज़ अल्कोहल अब्यूज़ एंड टबैको एडिक्शन. ठीक है, ये भी एक तरीके का ड्रग है, इसका भी मिसयूज़ होता है, तो उसके बारे में बात करेंगे क्या क्या बॉडी पे इफेक्ट्स आते हैं. साथ ही में वी आर ऑल्सो टू टॉक अबाउट टबैको एडिक्शन. ठीक है, सो स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, सिंपल भाषा में बोला जाए तो किसकी बात करनी है, स्मोकिंग एज वेल एज ड्रिंकिंग की. बड़ा बड़ा तो सबने पढ़ा हुआ है एक सिगरेट के पैकेट पर या फिर एक अल्कोहल के ऊपर कि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए क्या है, हानिकारक. लेकिन किस तरीके से, किस किस ऑर्गन पर इफेक्ट करता है, एक्चुअल जो उसका इफेक्ट है वो आपको दिखेगा यहाँ पर. तो ये जो सेशन होने वाला है, नो डाउट इसमें से पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो बहुत जनरल होगा, तुम लोग आंसर दे दोगे. बट मैंने इस सेशन को थोड़ा लंबा रखा है, मतलब मैंने इसको सेपरेट टाइम इसीलिए दिया है बिकॉज ये आपके लिए समझना इस एज में बहुत इंपॉर्टेंट है. आप लोग बहुत फिकल माइंडेड हो, अभी किसी के भी कहने में आ जाते हो, मानो या ना मानो. खुद को तो तुम बहुत बॉन्ड समझते हो, खुद को बड़ा इंटेलिजेंट समझते हो, बट एक्चुअली में यू आर वेरी फ्रेजाइल, यू आर हाईली यू नो सॉफ्ट एंड टेंडर, आप कहने में आ सकते हैं. इसीलिए मैंने इस सेशन को पूरा टाइम देकर हम अच्छे से इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं. अगर आप चाहें कि आपके कुछ फ्रेंड्स दूसरी फील्ड्स के भी हैं तो आप उनको भी इनवाइट कीजिए, नीट के बारे में नहीं लेकिन अल्कोहल ड्रिंकिंग के साइड इफ़ेक्ट्स और स्मोकिंग के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में आज हमने बात करनी है. अगर आप किसी भी ऐसे दोस्त को जानते हैं जो आपका किसी वजह से इस चीज़ों में इन्वॉल्व हो चुका है एंड यू वॉन्ट टू टेक हिम आउट, यू वॉन्ट टू हेल्प हिम, देन डू शेयर दिस सेशन विद देम एज वेल एज योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी. राइट, चलिए, खुद तो हमने करना नहीं है, किसी को करने भी नहीं देना है. तो जो बच्चे मैम को नहीं जानते हैं, माई नेम इज सी पाहुजा एंड आई एम अ बायोलॉजी एक्सपर्ट ऑन अन अकेडमी नीट. एवरी डे बेटा मेरी सेशंस होते हैं सेम टाइम पर, दैट इज 6 PM. ठीक है, किस टाइम पर होते हैं बेटा, 6 बजे होते हैं शाम को. ये जो कोर्स चल रहा है ये क्लास 12th का डिटेल्ड कोर्स है. 2021 के लिए क्रैश कोर्स आने वाला है बाय द एंड ऑफ दिस वीक और मंडे से स्टार्ट होगा. बट किसी भी तरीके से बाय मंडे हम उसको स्टार्ट कर देंगे. उसमें जो मेरा टाइम होगा वो होगा मॉर्निंग 10 AM. तो मैम के जो दो टाइमिंग्स हैं वो आप लोग नोट कर लो, सुबह 10 बजे एंड शाम को 6 बजे. इजी टाइम है, सुबह 10 बजे तक तुम लोग उठ जाते हो, है ना, आसानी से. 2021 वालों को उठ ही जाना है, सोना है ही नहीं. एंड 6 PM बेटा 12th वालों को. तो ये सेशन 12th वाले भी लगा सकते हैं, ये सेशन क्लास 11th वाले भी लगा सकते हैं अगर उनके पास समय है तो. बहुत सारे बच्चे साइमल्टेनियसली 11th और 12th दोनों पढ़ते हैं और ये इस चैप्टर का सेकेंड लास्ट सेशन होने वाला है. इसके बाद हम इस चैप्टर को बिल्कुल ओवर, कल हमने करना है एडोलेसेंस रिलेटेड इशू एंड परसों हम इसके प्रीवियस ईयर और एग्जाम्पलर लगा लेंगे और हमारा सिलेबस क्या हो जाएगा इस चैप्टर का खत्म. थोड़ा बड़ा चैप्टर था बट इंटरेस्टिंग था, है ना.
साथ ही में बेटा ये मेरी अमेजिंग सी टीम है। इस टीम से आई होप आप संजीवनी में तो पढ़ते ही हैं, जो हमारा प्लस कोर्स है। यूट्यूब पे भी बेटा हम लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। जो बच्चे सब्सक्रिप्शन नहीं ले पा रहे हैं किसी वजह से, उनके लिए ये जो टीम है, ये जो सेशन है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस सेशन से रिलेटेड सारी PDFs आपको कहाँ मिलती हैं? लिंक ट्री पर मिलती हैं। अब लिंक ट्री क्या है? इट्स अ फ्री प्लेटफॉर्म। आप गूगल पे जाइए, मतलब क्रोम पे जाइए, ब्राउजर में ऊपर डालिए linktr.ee/seep.pahuja। आपको इस तरीके का विंडो दिखेगा। अब इस विंडो में क्या क्या है? इस विंडो में बेटा आपको हमारा ऑनगोइंग कोर्स दिख रहा है, ठीक है। साथ ही में आपको मैंने जितने भी पुराने सेशंस लिए हैं उनका आपको सेशन लिंक मतलब प्लेलिस्ट मिलेगी, एंड साथ ही में ड्राइव का लिंक मिल जाएगा जिसमें मैंने लेक्चर वाइज चैप्टर वाइज सारे PDFs डाल दिए हैं, ठीक है। अब तक जितने सेशन हो चुके उतने के PDF बेटा आपके अपडेट हो रहे हैं। टाइम एवरी डे बेटा PDF अपडेट होता है, तो आप PDF यहाँ से भी ले सकते हैं। लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त है, गुजारिश है कि आप नोट्स अपने हाथ से बनाइए। बहुत सारे बच्चों, मैं हमेशा मेंशन करती हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे रियल में शेयर करते हैं मेरे साथ। जैसे एक बच्ची ने एस्कैरिस का लाइफ साइकिल मेरे साथ शेयर किया था, एंड इट वॉज सो ब्यूटिफुली डिपिक्टेड। द वे आपकी इमेजिनेशन, जिस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हैं उस तरीके से मैं नहीं कर सकती, उस तरीके से कोई और टॉपर नहीं कर सकता, उस तरीके से आपकी क्लास का कोई बच्चा नहीं कर सकता। तो खुद से अपनी इमेजिनेशन से नोट्स बनाया करो, कोशिश करो बेटा, साथ साथ बनाइए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। शुड वी स्टार्ट? जनरल टॉपिक बट वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज वो है जो हर घर में या आपके आसपास आपके नेबर्स में आपको कहीं ना कहीं ये चीज देखने को मिल जाएगी। तो जो भी आप आज इस सेशन से सीखेंगे, मेरे से सब बच्चे प्रॉमिस करें कि अगर आपको कोई भी ये चीज़ें करता हुआ दिखे, आप उसे जानते हैं, तो डेफिनेटली उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए समझाएंगे ज़रूर। बताइए, प्रॉमिस करते हैं सब बच्चे, तभी आज पढ़ना शुरू करेंगे, है ना। और अपने सारे दोस्तों के साथ, बीच नीट एस्पिरेंट्स और बीच नॉन नीट एस्पिरेंट्स, सबके साथ आप ये सेशन शेयर करेंगे। बता दो एक बार मैम को, स्टार्ट करने से पहले एक बार मैम को ये चीज़ की वो दे दो, ताकि मुझे लगे कि हाँ मैंने अपना काम पूरा किया। जितने बच्चों तक मैं पहुंचना चाहती थी स्पेशली विद दिस टॉपिक, वो मैं पहुंच पा रही हूं। ऑफ कोर्स उसमें आपकी मदद लगेगी, आप अपने सर्कल में इसको शेयर करेंगे। यस, करते हैं बच्चे प्रॉमिस। बता दो मैम को चैट सेक्शन में हार्ट्स के साथ, है ना, बता दीजिए फटाफट। ओके, है ना। ये देखो बच्चे, मैं खुद हूं। हां जी, चलिए बेटा, अगर आप खुद भी हैं, अगर आपके कोई दोस्त जन हैं, आपके कोई ब्रदर सिस्टर हैं, तो सबको बेटा हेल्प करना हमारा काम होता है। हमारे पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन है क्योंकि हम एक मेडिकल फील्ड को बिलोंग करते हैं। आप मेडिसिन में एंट्री लेने वाले हैं, तो आपसे अच्छी जानकारी और कोई नहीं दे पाएगा इससे रिलेटेड टू योर वेल विशर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले बेटा बात करते हैं अल्कोहल की। अल्कोहल होता क्या है? अल्कोहल होता क्या है? सो इट्स अ कलरलेस लिक्विड, है ना। देखा तो हुआ ही है, ट्राई नहीं करना है, देखा तो हुआ ही है बेटा। क्या है अल्कोहल? अल्कोहल एक कलरलेस लिक्विड है, वॉलाटाइल है, खोल के रखोगे उड़ जाएगा, है ना। वॉलाटाइल है, फ्लेमेबल, आग के पास रखोगे तो बेटा हल्की सी भी चिंगारी लगी तो जलने का डर रहता है। फ्लेमेबल लिक्विड हैविंग बर्निंग टेस्ट, जलन वाला टेस्ट होता है, कोई अच्छा टेस्ट बेटा इसका नहीं माना जाता। सो ऐसे एक लिक्विड को जो आपने जैसे बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस भी आते हैं, इफ़ नॉट ड्रिंकिंग अल्कोहल देर आर सर्टेन सॉल्यूशंस जिसमें अल्कोहल होता है। जैसे मैं आपको बताऊँ, सैनिटाइजर, सैनिटाइजर में भी क्या प्रेजेंट है? किसी न किसी तरीके का अल्कोहल प्रेजेंट है। कभी भी हम सैनिटाइजर की शीशी को खुला नहीं रखते हैं। अगर आपने कभी लैब में काम किया है, केमिस्ट्री लैब में या बायोलॉजी लैब में, उसमें जो हम एपरेटस क्लीन करते हैं, किससे करते हैं? स्पिरिट से करते हैं। व्हाट इज स्पिरिट? स्पिरिट इज बेसिकली अल्कोहल। तो कभी भी उस चीज को खुला नहीं रखा जाता, बिकॉज इट इज वॉलेटाइल, वो उड़ सकता है, खत्म हो सकता है, एंड बेटा हाईली फ्लेमेबल, इससे आग भी लग सकती है। इसीलिए इस चीज को अच्छे से गैस के नजदीक नहीं लेके जाया जाता, बचाकर रखा जाता है, राइट। एंड इंडस्ट्रीज में इसका फॉर्मेशन होता है, बिल्कुल होता है। कैसे? बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। शुगर से बनती है अल्कोहल। शुगर किसमें प्रेजेंट होता है बेटा? शुगर मतलब स्टार्च। स्टार्च आपको किस में मिल जाएगा? फ्रूट्स में मिल जाएगा। तो मेजरली जो फ्रूट यूज करते हैं हम, वो ग्रेप का जूस से बन सकता है अल्कोहल, ठीक है। सो इट इज फॉर्म्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्ची ग्रेन्स बाय यीस्ट। देखो इसमें किसका यूज हो रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। माइक्रोब्स वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है
क्या पढ़ा है कि अल्कोहल किस तरीके से कौन सा एंजाइम यूज करके बनाया जाता है. सब बच्चे मुझे चैट सेक्शन में बताएंगे. लेट मी चेक योर नॉलेज. माइक्रोब्स वाले चैप्टर में पढ़ा है कि आप किसको यूज कर रहे हैं. सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए को यूज कर रहे हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम शुगर्स. किससे बनती है अल्कोहल बेटा? शुगर से बनती है. तो शुगर से अल्कोहल बनाने के लिए तुमने एक माइक्रोब को यूज किया, तुमने यीस्ट को यूज किया. एंजाइम कौन सा रिलीज हुआ बताओ. यस यस बिल्कुल ठीक. कुछ बच्चों ने आंसर मुझे दे भी दिया है. कुछ बच्चे अभी अभी क्लास में लेट एंट्री ले रहे हैं, तो भाई लेट एंट्री वालों टाइम से आया करो. आज का टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, आपके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल प्रियांशी. नेल पेंट रिमूवर जिसमें वैसी वो स्मेल नहीं होती, यू नो दैट इट हैज़ डिफरेंट काइंड ऑफ अरोमा, आप समझ जाएंगे है ना. बिल्कुल ठीक. जाइमेज, जाइमेज की हेल्प से क्या बनता है हमारा अल्कोहल बनता है. एंड इट इज़ मोस्ट कॉमनली कंज्यूम्ड, यूज किया जाता है. एंड abused ड्रग, सबसे ज़्यादा abusable ड्रग. एंड इट इज़ कॉमन नॉट ओनली विद अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाई एंड पीपल दे ड्रिंक. लो इनकम पीपल, मिडिल क्लास पीपल, हाई इनकम पीपल, बिलोंगिंग टू एवरी कैटेगरी. ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ अनएजुकेटेड पीपल इसको अब्यूज़ करते हैं. इनफैक्ट हाईली एजुकेटेड पीपल दे ऑल्सो अब्यूज़ दिस ड्रग. लेकिन इसका इफेक्ट बॉडी पे बहुत ह्यूज है. सो कॉमनली कंज्यूम्ड अल्कोहल इज कौन सी है बेटा? कॉमनली कंज्यूम्ड अल्कोहल आप देख पा रहे हैं कौन सी है? दैट इज एथाइल अल्कोहल, C2H5OH. यही होता है ना फॉर्मूला इथाइल अल्कोहल का. मेथ एथ, मेथ आ जाएगा, मिथाइल आ जाएगा, तो बेटा वो पॉइजनस हो जाएगी. इसीलिए हम यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं? इथाइल अल्कोहल. ये बॉडी के लिए पॉइजनस नहीं होती है. ये हमने बायोमोलिक्यूल्स में भी पढ़ा था. अगर आपको याद हो अबाउट इनहिबिशंस ऑफ द एंजाइम, देन हमने देखा था कि कुछ अल्कोहल ऐसी होती हैं जिसमें वो लोग मिथाइल अल्कोहल की मिक्सिंग कर देते हैं, जो कि एक तरीके का इनहिबिटर है इथाइल अल्कोहल का. अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस पे हमने बात की थी, बट वी विल कवर दैट टॉपिक अगेन इन बायोमोलिक्यूल्स, डोंट वरी अबाउट दैट. सो कॉमनली यूज अल्कोहल इज गोइंग टू बी इथाइल अल्कोहल. एंड ये आपके ब्रेन को क्या स्टिमुलेट करती है या फिर डिप्रेस कर देती है? एक्चुअली बेटा जो अल्कोहल है वो आपके ब्रेन को डिप्रेस कर देगी. मतलब ऐसा नहीं है कि आप अल्कोहल पी के बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे. नो, इससे आप और रिलैक्स्ड, काम फील कर सकते हैं. डिप्रेस्ड मतलब एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देना. एक्टिविटी फास्ट नहीं करती है, एक्टिविटी को क्या करती है? आपकी बॉडी की एक्टिविटी को क्या करती है? ये स्लो करती है, स्लो डाउन. ठीक है, जैसे हमने कल कुछ ड्रग्स पढ़े थे जिसमें CNS स्टिमुलेंट्स था, जैसे एम्फिटामीन्स थे, वो क्या थे? एड्रेनलिन रश रिलीज करते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्टिविटी बढ़ जाती है. जैसे कैफीन था, वो एक स्टिमुलेंट था, है ना? कैफीन एक स्टिमुलेंट था. लेकिन जो अल्कोहल है, अल्कोहल क्या है बेटा? एक तरीके का डिप्रेसेंट है, स्टिमुलेंट नहीं है. ये आपको जगाकर नहीं रखेगा, रादर ये आपको नींद वाली अवस्था में लेकर जाएगा. समझे? जगाकर नहीं रखेगा, नींद वाली अवस्था में लेकर जाएगा. ठीक, चलिए आगे चलते हैं. कैसे काम करता है आपकी बॉडी में, आपके ब्रेन में, किस तरीके से इसका इफेक्ट है बेटा? इट एक्ट्स ऑन बेसिकली टू डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स, दो पे काम करता है. न्यूरोट्रांसमीटर आप जानते हो, स्टिमुलेटरी भी होता है, इनहिबिटरी भी होता है. देखिए गाबा जो है ना, गाबा पे जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी एक्टिविटी को क्या करता है? बढ़ा देता है. और ग्लूटामेट की एक्टिविटी को क्या कर देता है? कम कर देता है. अब गाबा क्या है? एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है. उसकी एक्टिविटी को क्या कर देते हैं? ये बढ़ा देते हैं. तो यार इनहिबिटरी वाले को बढ़ा दिया तो डिप्रेस नहीं हो गया, है ना? CNS को इसने क्या कर दिया? एक तरीके से डिप्रेस कर दिया, स्टिमुलेट नहीं किया. ठीक है, अब जब पर्सन ने अल्कोहल कंज्यूम की तो ये अल्कोहल बॉडी में जाकर कहां पर एब्जॉर्ब हुई? Has it, did it absorb in your small intestine or in your stomach or in your buccal cavity only? ये चीज़ आपने पढ़ी हुई है digestion में. कौन बच्चा बताएगा? Text आने से पहले आपको पता होना चाहिए कि alcohol की absorption कहाँ पर होती है. बता दो alcohol की absorption बेटा जी कहाँ पर होती है? सब बच्चे बताएंगे. हाँ जी हाँ जी, come on. बिल्कुल ठीक. Yes. गाबा इज गामा अमीनो बिटायरिक एसिड बेटा, गामा अमीनो बिटायरिक एसिड.
बिल्कुल राइट बच्चों. सो अल्कोहल इज बेसिकली एब्जॉर्ब्ड इन स्टमक. स्टमक में होती है मेनली एब्जॉर्प्शन इसकी. लेकिन इसकी एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होती है, अपर पार्ट, एंड देन इट इज ट्रांसफर टू ब्लड. एब्जॉर्प्शन के बाद ही कहाँ पर पहुंचेगी? आपके ब्लड में जाकर पहुंचेगी. ब्लड में पहुंचने के बाद ब्लड इसको कहाँ पर लेकर जाएगा? लिवर में लेकर जाएगा, है ना. ऑन लिवर विल सिंथेसाइज फैट्स फ्रॉम इट. मोटे हो जाओगे बेटा, ये फैट आपकी लिवर के अराउंड भी डिपॉजिट हो जाएगा, तुमको फैटी लिवर डिसऑर्डर हो जाएगा. तो अल्कोहल पी तुमने, कहाँ गई? ओरल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक. स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में से ये कहाँ पहुंची? ब्लड में पहुंची वाया एब्जॉर्प्शन. ब्लड उसको कहाँ पर लेकर गया? लिवर के पास. और लिवर ने इस अल्कोहल से क्या बना लिए? फैट्स बना लिए. इन लिवर अल्कोहल विल आल्सो कन्वर्ट इनटू एसीटैल्डिहाइड. हाँ जी, यहाँ पर लग रही है केमिस्ट्री. बता दो कौन सा एंजाइम है यहाँ पर? विच एंजाइम इज कन्वर्टिंग अल्कोहल इनटू एसीटैल्डिहाइड? हाँ जी बताइए, कौन सा एंजाइम है जो इसको कन्वर्ट करता है? कौन सा एंजाइम बेटा इसको कन्वर्ट करता है? यस 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 बेटी, यहाँ पर जो मैं बात करूंगी, अभी मैंने इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल बात ही नहीं की है. जो भी मैं इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल बात करूंगी, दे आर नॉट गोइंग टू बी शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स, दे आर गोइंग टू बी लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स. दे आर गोइंग टू बी द इफेक्ट्स फॉर द क्रॉनिक यूजर ऑफ अल्कोहल. एक बारी दो बारी कंज्यूम करने से यहाँ जो इफेक्ट्स की बात होगी वो नहीं होता है. अगर बहुत लंबे समय तक, सालों तक अल्कोहल का कंजम्पशन हो, तभी बेटा, तभी क्या होता है, इस तरीके का इफेक्ट आएगा जिनके बारे में हम बात करेंगे. सो लिवर का काम है इसको कन्वर्ट करना फैट्स में, और साथ ही में किस में कन्वर्ट कर देते हैं? एसीटैल्डिहाइड में. इस कन्वर्जन से बेटा क्या बनती है? एनर्जी तो बनती है, एटीपी रिलीज होंगे, लेकिन साथ में क्या होगा? लिवर में फैट डिपॉजिट हो जाएगा. सबसे बड़ा कल्प्रिट बेटा अल्कोहल का कौन है? फैट. क्योंकि लिवर इससे क्या बना लेता है? फैट बना लेता है. वो फैट लिवर के अराउंड डिपॉजिट होना चालू हो जाता है, जिसकी वजह से आपके लिवर में डैमेज आना स्टार्ट हो जाएगा. सो द मोस्ट वर्स्टली अफेक्टेड ऑर्गन इन योर बॉडी आफ्टर ड्रिंकिंग, आफ्टर क्रॉनिक ड्रिंकिंग, इज गोइंग टू बी योर लिवर. ठीक है, तो एक्शन की बात करते हैं बेटा. कर क्या रहा है अल्कोहल? अल्कोहल बेटा जो आपका ब्रेन से सिग्नल आ रहे हैं कि एक एक्शन किस तरीके से करना है, लाइक आई एम सोबर, सो इफ माई ब्रेन हैज़ टू पिक दिस पेंसिल अप, तो यार एक तरीके से रिस्पॉन्स आएगा. लेकिन अगर मैं सोबर नहीं हूँ, इफ अ पर्सन हैज़ कंज्यूम्ड और इज अंडर द इफेक्ट ऑफ अल्कोहल, तो यार अब उसे आप ये पेंसिल उठाने के लिए बोलोगे नहीं उठा पाएगा, है ना. तो वॉट इट इज डूइंग, इट इज एक्चुअली इंटरफेयरिंग विद द कम्युनिकेशन पाथवे ऑफ द ब्रेन, कि कैसे आपस में डिफरेंट न्यूरॉन्स ने, डिफरेंट ऑर्गन्स ने कोऑर्डिनेट करना है, कंट्रोल करना है. तो यहाँ पर इसका मेजर इफेक्ट आता है. इट विल इफेक्ट द वे ब्रेन विल लुक एंड वर्क्स. किस तरीके से ब्रेन एक सिचुएशन को देखता है, कैसे वो काम करता है, आपने आपके सोचने समझने की क्षमता, आपके डिसीजन लेने की क्षमता, क्या सही है क्या गलत है, उसमें से सही को चूज करने की क्षमता, ऑल दीज थिंग्स वुड बी कॉम्प्रोमाइज्ड इफ अ पर्सन इज अंडर द इफेक्ट ऑफ अल्कोहल. और एक नहीं, उससे 50 और चीजें स्टार्ट हो सकती हैं. ठीक है, इट विल मेक चेंजेस इन द मूड एंड द बिहेवियर. देखिए, नाउ इट इज टोटली इंडिविजुअल डिपेंडेंट. सम पीपल दे फील गुड आफ्टर कंज्यूमिंग अल्कोहल, वाइल सम पीपल दे बिकम वायलेंट, दे स्टार्ट यू नो डोमेस्टिक वायलेंस आफ्टर कंज्यूमिंग अल्कोहल. कुछ लोगों को बहुत गुस्सा भी आता है, मतलब इमोशंस आर हाइटेड. द थिंग इज व्हाट अल्कोहल इज डूइंग, इट इज हाइटनिंग योर इमोशंस. आपका जो इमोशनल ब्रेन है वो थोड़ा ज्यादा काम करेगा, आपको छोटे छोटे इमोशंस भी बहुत ज्यादा लेवल में फील होना स्टार्ट हो जाएंगे. इट विल मेक इट हार्डर टू थिंक क्लियरली एंड मूव विद द कोऑर्डिनेशन. आपकी बॉडी सोचते समझते हुए इकट्ठा काम नहीं कर पाएगी. कोऑर्डिनेशन का यहाँ पर क्या मतलब है? बैलेंसिंग में इशू आएगा. किस में इशू आएगा बेटा जी? बैलेंसिंग में इशू आएगा. क्योंकि अल्कोहल किस पोर्शन पर इफेक्ट डाल रही है जो आपकी बॉडी को बैलेंस करता है? बता दो, हाइंड ब्रेन का वो कौन सा पोर्शन है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम एंड पॉस्चर? लास्ट ईयर हमने न्यूरल कंट्रोल में ये बात पढ़ी थी, है ना. न्यूरल कंट्रोल में बेटा ये बात हमने पढ़ी थी. बताइए बताइए, कम ऑन गाइज. हाँ जी, सब बच्चे बताएंगे कौन सा ब्रेन का? हाइंड ब्रेन भी बता दी, मतलब इससे बड़ा हिंट मैं दे नहीं सकती हूँ.
यस एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, मुझे सब बच्चों के आंसर चाहिए बेटा, इसमें से आप ही सीखोगे, आप ही का फायदा है, आप ही लॉन्ग टर्म में. इनफैक्ट ये जो सेशन है ये आपके साथ सिर्फ नीट के लिए हेल्पफुल नहीं है, आप कॉलेज में जाओगे, आप जॉब में जाओगे, आपकी शादी हो जाएगी, उसके बाद आपकी पूरी जिंदगी में ये सेशन आपके काम आने वाला है. यस इट इज गोइंग टू अफेक्ट बेटा, दैट इज सेरिबेलम. किस पे इफेक्ट आता है? सेरिबेलम पे इफेक्ट आता है. इसीलिए वो पर्सन कभी भी अच्छे से मूव भी नहीं कर पाएगा. आपने मूवीज में भी देखा है, शायद आपने लाइव एग्जांपल भी देखा होगा. इफ ए पर्सन इज अंडर द इफेक्ट ऑफ अल्कोहल तो बेटा वो ऐसे गिरता पड़ता रहेगा, है ना, इधर उधर गिरेगा. सो दैट इज द प्रॉब्लम विद द अल्कोहल. ठीक है, ऑल्सो इट विल मेक इट हार्डर टू थिंक क्लियरली, आप अच्छे से सोच नहीं पाएंगे. ठीक है, तो अब बात करते हैं बेटा किस तरीके से आपके अल्कोहल में वन बाय वन आपके ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं. लॉन्ग टर्म ड्रिंकिंग की बात हो रही है. किसकी बात हो रही है? लॉन्ग टर्म ड्रिंकिंग की बात हो रही है. तो ज्यादा समय अल्कोहल पीने से देन बेटा देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1. कौन से किस विटामिन की डेफिशिएंसी करता है बेटा अल्कोहल? दैट इज B1. और ये जो B1 है दैट कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल. अब तुम कितनी अच्छी डाइट ले लो, कितने अच्छे ग्रीन लीफी वेजिटेबल खा लो, लेकिन B1 तुम्हारी बॉडी में होते हुए भी ब्लड तक नहीं पहुंचेगा. कौन इसको एब्जॉर्ब नहीं करने दे रहा? अल्कोहल इसको एब्जॉर्ब नहीं करने दे रहा. और अगर B1 की डेफिशिएंसी हुई तो बेटा क्या इफेक्ट होगा? देयर विल बी डैमेज टू द फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड दिस इज कॉल्ड एज वर्निके-कोर्साकॉफ सिंड्रोम. ठीक है, एंड अगर नर्वस सिस्टम में डैमेज हुआ तो यार क्या काम करता है आपका नर्वस सिस्टम? देखने में काम करता है ना. इट इज गोइंग टू डैमेज बेटा योर आईसाइट, विजन में चेंजेस आ सकते हैं. इट इज गोइंग टू लीड टू एटेक्सिया, आप में बैलेंसिंग का इशू हो सकता है. एंड इट मे ऑल्सो अफेक्ट योर मेमोरी. अगेन आई एम रिमाइंडिंग दिस इज द इफेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म ड्रिंकिंग. ठीक है, नॉट वन टाइम, नॉट टू टाइम, नॉट 10 times, दिस इज द इफेक्ट ऑफ पीपल हु आर क्रॉनिक अब्यूजर्स ऑफ दिस अल्कोहल. तो आईसाइट में चेंज आना, बैलेंसिंग, अपने आप को हैंडल कर पाना एंड बेटा इम्पेयर्ड मेमोरी, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए. क्या बेटा आपकी आईसाइट सही होना जरूरी नहीं है? बिल्कुल, इट इज हाईली इंपॉर्टेंट. क्या आपकी बॉडी का खुद को संभाल पालना जरूरी नहीं है? बिल्कुल है. एंड मेमोरी ऑल्सो प्लेज अ बिग रोल. ठीक है, तो अभी आप आगे जाते जाते देखेंगे, अभी तो ब्रेन का डैमेज है, धीरे धीरे कैसे डैमेज आपकी पूरी बॉडी में फैलेगा, यू विल नोटिस दिस थिंग. ठीक है, सो पहला ये इफेक्ट होता है. दूसरा बात करें बेटा, नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म ड्रिंकिंग इज कार्डियोमायोपैथी. क्या होता है बेटा? मायो रिलेटेड टू मसल, कार्डियो रिलेटेड टू हार्ट. तो कार्डियोमायोपैथी इज गोइंग टू बी द इफेक्ट ऑफ ऑल एल्कोहल ऑन द मसल्स ऑफ द हार्ट, जिसको आप मायोकार्डियम भी बोलते हो. तो यहाँ पर क्या होती है, आपकी हार्ट की मसल ना वीक होती जाती है. क्या हो जाती है? स्ट्रेच हो जाएंगी और नीचे ढिलकने लगेंगी. ढिलकने लगना मतलब एक तरीके से वीक हो जाना. जो चीज़ आपकी बहुत सालों बाद एजिंग से होनी चाहिए थी, वो चीज़ आपकी अभी यंग एज में अल्कोहल के ओवर यूज़ की वजह से हो रही है. अगर हार्ट की मसल्स बेटा ड्रूप करने लग गई, नीचे ढिलकने लग गई, वो होता नहीं, लेट मी शो यू. जैसे जैसे बेटा एक रबर बैंड होता है लाइक दिस, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ स्ट्रेचेबल थिंग, है ना, स्ट्रेचेबल थिंग. अब ये स्ट्रेचेबल है इसीलिए मेरे बालों में पूरा आता है, अब तक ये काम कर रहा है. लेकिन अगर इसका ये स्ट्रेच वाला चीज़ खत्म हो जाएगा, है ना, अगर ये खुल जाएगा, कोई स्ट्रेच ही नहीं है इसमें, तो यार इट विल स्टॉप डूइंग इट्स फंक्शन. जो ये काम कर रहा था बालों को बांधने का, नहीं कर पा रहा है. सेम वे अगर हार्ट की मसल्स बेटा स्ट्रेच करके नीचे ढिलकने लग गई, तो क्या वो इफेक्टिवली आपके ऑर्गन्स को, वेंट्रिकल्स को पंप कर पाएंगी? क्या वो इफेक्टिवली आपके वेंट्रिकल्स को पंप कर पाएंगी? नो, है ना. सो इट इज गोइंग टू लीड टू ड्रॉपिंग ऑफ द हार्ट मसल. साथ ही में हार्ट के साथ अगर मसल्स पे इफेक्ट आया तो यार उसकी बीटिंग पे भी आएगा. तो आपकी हार्ट की रिदम कैसी हो जाएगी? इरेगुलर हार्ट बीट, एरिदमिया. एरिदमिया आपको दो तरीके का सिखाया था. अगर हार्ट रेट स्लो हुआ तो ब्रैडीकार्डिया या ब्रैडी एरिदमिया, अगर हार्ट रेट फास्ट हुआ तो गाइस दैट इज कॉल्ड एज टैकीकार्डिया और टैकी एरिदमिया. यस, है ना, यस, समझ आया है बात? बिल्कुल. वो क्या है? इरेगुलर एब्जॉर्प्शन. हाँ जी, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं अगला चैप्टर क्या होगा. पहले तुमने ही चैप्टर तो पढ़ा नहीं, अगला चैप्टर चलो बता देती हूँ. अगला चैप्टर बेटा होगा हमारा स्ट्रैटेजीज. ठीक है, स्ट्रैटेजीज में आधा पोर्शन आपने प्लांट वाला पढ़ चुके हैं, हम कवर करेंगे उसका एनिमल ब्रीडिंग वाला पोर्शन, राइट.
और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बायोटेक्नोलॉजी। तो इस हफ्ते हम इस चैप्टर को पूरा करेंगे, इसके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, स्ट्रैटेजीज। दो दिन का चैप्टर, सिर्फ दो दिन का स्ट्रैटेजीज, एंड देन वी आर गोइंग टू मूव टू वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, चलिए आ जाइए। सो और क्या इफेक्ट हो सकता है बेटा? नेक्स्ट इफेक्ट कुड बी स्ट्रोक। स्ट्रोक हो सकता है। स्ट्रोक क्या होता है? स्ट्रोक होता है बेटा जब किसी भी हिस्से की कोई ब्लड वेसल रप्चर कर जाती है या फिर उस ब्लड वेसल में क्लॉट आ जाता है। ठीक है, दैट लीड्स टू स्ट्रोक। ठीक, चलिए। सो अगला इफेक्ट करते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट ऑर्गन एंड सबसे ज्यादा बैडली इफेक्टेड इज योर लिवर। यहां ध्यान दीजिए, दिस इज अ नॉर्मल लिवर, है ना, बिल्कुल रेड रेड सा दिख रहा है, सही दिख रहा है। देन धीरे धीरे बेटा वर्सनिंग देखिए लिवर की, ये जो रेडनेस है वो धीरे धीरे गायब होती जा रही है। देयर इज सम डेपोजिशन ऑन द लिवर। धीरे धीरे बेटा जो सेल्स हैं, जो टिश्यू है, उसमें फाइबर्स आता जा रहा है, फाइबर्स बढ़ते जा रहे हैं एंड स्लोली फैट्स डिपॉजिट हो रहे हैं, डैमेज हो रहा है लिवर के सेल्स को, लिवर की वॉल को, और जिसको हम क्या बोलते हैं, सिरहोसिस। क्या बोलते हैं बेटा जी? सिरहोसिस। तो यहां पर हम बात करेंगे एल्कोहलिक फैटी लिवर और स्टीटोसिस। लिवर क्या हो जाता है? बड़ा हो जाएगा, साइज बड़ा हो जाएगा। तुम खुद देखो, यहां से यहां मूव करो, द साइज इज एक्चुअली इंक्रीजिंग। ठीक है, इट विल बिकम ग्रीसी, इट विल बिकम फर्म एंड इट विल शो इंक्रीज्ड फैट सिंथेसिस। क्योंकि बेटा लिवर ने अल्कोहल से क्या बनाना है? फैट। जितना ज्यादा तुम अल्कोहल पियोगे उतना ज्यादा फैट बनेगा, है ना, एंड धीरे धीरे यही फैट आपके लिवर में डिपॉजिट होगा। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एज एल्कोहलिक हेपेटाइटिस। व्हाट इज हेपेटाइटिस? हेपेटिक सेल का आइटिस, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ द लिवर सेल्स। ठीक है, धीरे धीरे आपके हिपैटोसाइट्स क्या करने लगेंगे? खराब होते जाएंगे, डीजेनरेट होते जाएंगे। हिपैटोसाइट्स का क्या काम था? यस, कौन बताएगा मुझे हिपैटोसाइट्स का काम? बताइए, कम ऑन गाइस, कम ऑन, कम ऑन, हिपैटोसाइट्स का काम बताइए। What is the function of the hepatocytes? Everyone will tell me. Yes. Hepatocytes का काम सूजन, inflammation could be called as a redness, swelling. हाँ जी, उसको बोल सकते हैं। Hepatocytes का काम क्या है? Urine formation. बड़ा आगे पहुंच गए यार तुम। हाँ जी, unit of liver. देखो, unit तो hepatic lobule था, hepatocyte थोड़ा थे। गलत। हाँ जी, बिल्कुल एक बच्चे ने ठीक आंसर दिया। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है हेपेटोसाइट्स का? एक से ज़्यादा काम है। ऑफ कोर्स आपके मेटाबॉलिज्म ऑफ यूरिन में भी कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं, बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट काम जो हमने डाइजेशन में पढ़ा था, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग बाइल जूस, है ना। तो धीरे धीरे बेटा क्या होगा, फैट्स की सिंथेसिस ज़्यादा होगी, हिपैटोसाइट्स धीरे धीरे इन्फ्लेम्ड होते जाएंगे, डैमेज होते जाएंगे एंड उन सेल, देखो सेल रिप्लेस हुए तो जगह तो भरनी है। तुम अगर लिवर के सेल हटा रहे हो तो बीच में स्पेस फिल करोगे। स्पेस कौन फिल कर रहा है? फाइबर्स, जिसको आप क्या बोलते हैं? एल्कोहलिक फाइब्रोसिस। एंड फाइब्रोसिस के बाद ये देखिए, ये फाइब्रोसिस वाली स्टेज है जिसमें फाइबर्स आके डिपॉजिट हो गए सेल की जगह, और फाइब्रोसिस के बाद नेक्स्ट स्टेज क्या आएगी? सिरहोसिस। सो कॉन्टिन्यूड हिपैटोसाइट्स डिस्ट्रक्शन, कोलेजन डिपोजिशन, कोलेजन फाइबर्स है ना, हिपैटोसाइट खराब हो गए, ये जो हमारे सेल थे वो डैमेज हो गए, तो इनकी जगह कौन आके बैठ गया? ये स्ट्रॉन्ग वाले फाइबर्स आके बैठ गए, विच विल लीड टू श्रिंकेज इन इट्स साइज। साइज छोटा हो जाएगा, काम अपना कर नहीं पाएगा क्योंकि सेल है ही नहीं। ठीक है, एंड द मेजर वर्ड जो आपकी एनसीईआरटी ने भी मेंशन किया हुआ है कि लिवर के डैमेज को उन्होंने क्या नाम दिया है, दैट इज कॉल्ड एज सिरहोसिस। लिवर को क्या होता है ड्रिंकिंग के बाद? सिरहोसिस। ठीक है, याद रखेंगे सब बच्चे इस वर्ड को, याद रखेंगे। ठीक है, तो मेजर डैमेज इज टू द लिवर, द सेल्स दे गेट डीजनरेटेड एंड दे गेट रिप्लेस्ड बाय द फाइबर्स, दे एक्चुअली श्रिंक इन द साइज एंड फैट्स का प्रोडक्शन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। एंड धीरे धीरे क्या होता जाएगा, जो बाइल जूस है, बाइल जूस का प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा? कम, एंड इट विल लीड टू स्टॉपेज ऑफ द फ्लो ऑफ बाइल। बाइल नहीं आया तो क्या डैमेज? फैट्स जितने तुम खा रहे हो, है ना, खाना खा रहे हो फैट्स की फॉर्म में, वो भी डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि इमल्सिफिकेशन नहीं है। इमल्सिफिकेशन नहीं हुई तो फैट्स कभी भी एब्जॉर्ब नहीं होंगे, राइट। चलिए, नेक्स्ट इफेक्ट इज गोइंग टू बी ऑन योर इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम बेटा धीरे धीरे कम होता जाता है। इट मेक्स अ ड्रिंकर मोर प्रोन टू टीबी। क्या होता जाएगा बेटा?
टीबी के चांसेस बढ़ जाएंगे बिकॉज इम्यून सिस्टम इज कॉम्प्रोमाइज एंड इट विल लीड टू इंक्रीज्ड इंसुलिन एक्टिविटी. अच्छा, सब बच्चे बताएंगे अगर बॉडी में इंसुलिन का एक्टिविटी बढ़ जाएगा तो ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कम होगा या ज्यादा हो जाएगा. अगर इंसुलिन का एक्टिविटी बढ़ गया तो ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कम होगा या ज्यादा होगा, बताइए. यस ऑफ कोर्स बेटा, मेहुल बायोलॉजी में तो कर सकते हैं, बायोलॉजी में कर सकते हैं. लिवर का क्या काम, इंसुलिन का क्या काम होता है, इंसुलिन का क्या काम है? देखिए इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को कम करना, है ना, ग्लूकोज को यूटिलाइज करा देना, यूटिलाइजेशन करा देना ताकि ब्लड में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन क्या हो जाए, कम हो जाए. ठीक है, अगर इंक्रीज ग्लूकोज एक्टिविटी हो गई, ग्लूकोज ज्यादा काम करने लग गया तो बेटा ग्लूकोज का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक बेटा, डिक्रीज, लो 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 हो जाएगा. ठीक, तो ये भी इफेक्ट है. नेक्स्ट इज द इफेक्ट ऑन ब्रेन. ब्रेन पे आप जानते हैं सेरिबेलम इज गोइंग टू बी अफेक्टेड, सो इट विल ऑल्सो एक्ट एज अ डिप्रेसेंट टू द ब्रेन, है ना. सेरिब्रम इज अफेक्टेड फर्स्ट विच अफेक्ट्स द जजमेंट, सेल्फ कंट्रोल एंड विल पावर, फॉलोड बाय सेरिबेलम. ध्यान दो, आपका हाइंड ब्रेन तो आप जानते ही इफेक्ट होगा जिससे आपका मसल का कोऑर्डिनेशन बिगड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपका फोर ब्रेन सेरिब्रम इज ऑल्सो गोइंग टू बी अफेक्टेड, जिसकी वजह से आप अच्छे से चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, जज नहीं कर पाएंगे कि क्या ये चीज़ सही है क्या गलत है. सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा तुम्हारा, एंड योर विल पावर, कुछ भी करने का मन ना करना, इच्छा शक्ति खत्म हो जाना. आपने नोटिस किया होगा बहुत लोग अल्कोहल पी के दे स्टार्ट क्राइंग, व्हाई, बिकॉज इट एक्ट्स एज डिप्रेसेंट. आपके जो इमोशंस है वो हाइटेंड हो रहे हैं, आपको दुख जो छोटा सा है वो बहुत बड़ा दुख दिखाई दे रहा है ना, राइट. सो सेरिब्रम इज गोइंग टू बी अफेक्टेड, जिससे आपका खुद पे कंट्रोल नहीं रहेगा, कंट्रोल नहीं रहेगा तो आप और गलत काम कर सकते हैं उस टाइम पर. आप सोच नहीं पाएंगे कि क्या ये चीज़ सही है या फिर गलत है, क्योंकि जजमेंट भी अफेक्टेड है एंड आपकी इच्छा शक्ति भी कॉम्प्रोमाइज है. फॉलोड बाय बेटा लॉस इन कोऑर्डिनेशन ऑफ द मसल, आपका पॉस्चर, आपका बैलेंस. आप खुद इमेजिन करो ना, आप सही सोच पाओगे, डिसीजन नहीं ले पाओगे. अगर मान लो डिसीजन ले भी लिया लेकिन आपकी मसल्स आपका साथ नहीं दे रही, आप हो सकता है किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ से आप जाना चाहते हो लेकिन बिकॉज सिंस यू आर अंडर द इफेक्ट ऑफ अल्कोहल आप मूव नहीं कर पा रहे हो, ज़्यादा हिल नहीं पा रहे हो बिकॉज आपकी मसल्स कॉम्प्रोमाइज हैं. हाउ हेल्पलेस इट इज़ गोइंग टू लीव यू इन दैट सिचुएशन, चाह कर भी ना जा पाना, चाह कर भी ना छोड़ पाना. सो इट इज़ वेरी 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 डेडली कॉम्बिनेशन. ठीक, और क्या हो गया, किडनीज में भी इफेक्ट आएगा बिकॉज वाटर इनटेक विद द ड्रिंक्स इंड्यूसेस इनहिबिशन ऑफ द एडीएच सिक्रीशन. अगर एडीएच नहीं आया, एडीएच नहीं आया बेटा, एडीएच का काम था रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर. अगर वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं हुआ तो ज्यादा पानी का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, राइट. डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच इज गोइंग टू लीड टू मोर यूरिन आउटपुट, मैंने आपको बताया. इफ एडीएच इज लेस, एडीएच की क्या है डेफिशिएंसी, या फिर मैं बोलूं क्या है इनहिबिशन, यहां पर क्या है इनहिबिशन. अगर एडीएच इनहिबिट हुआ देन देयर इज नो रिजॉर्प्शन. जो पानी है वो डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में से रीअब्सॉर्ब नहीं हुआ. अगर पानी रीअब्सॉर्ब नहीं होगा तो इस केस में बेटा यूरिन में पानी का अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा. दैट मीन्स यूरिन इज गोइंग टू बी डाइल्यूट यूरिन, है ना. डाइल्यूट को मैं और क्या लिख सकती हूँ, हाइपो टॉनिक यूरिन. कैसा यूरिन रहेगा बेटा, हाइपोटोनिक यूरिन, क्लियर, राइट. तो इस तरीके से पानी की भी आपकी बॉडी में कमी हो रही है. तो अल्कोहल भी बिल्कुल चाय और कॉफी की तरह पानी की कमी करता है. दैट मीन्स इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डायूरेटिक, बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो बेटा जी अ टाइप ऑफ डायूरेटिक. यस, हाँ जी, डिहाइड्रेशन हो रही है, पानी की कमी हो रही है. ठीक, चलिए नेक्स्ट इफेक्ट बेटा मसल्स पे. अल्कोहलिक मायोपैथी बोला है, पेनफुल स्वोलन मसल्स एंड हाई लेवल ऑफ सीरम क्रिएटिन एंड फॉस्फोकाइनेज, जिसकी वजह से आपके मसल्स में इफेक्ट आएगा, आपके आरबीसी का साइज भी बढ़ सकता है जिससे अनीमिया हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट इफेक्ट इज कुड बी इंक्रीज इन द रिस्क ऑफ ट्यूमर. अगर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक कंजम्पशन है तो कैंसर भी हो सकता है.
painful and swollen muscles, high level of the serum creatinine and phosphokinase, जिसकी वजह से कैंसर के होने के भी चांसेस रहते हैं. क्योंकि बेसिकली बेटा आप अपनी बॉडी के नेचुरल मैकेनिज्म को डिस्टर्ब कर रहे हो, एक बारी नहीं बारी बारी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो कार्सिनोजेनिक प्रूव होता है. मेल्स में बात करें, मेल्स में स्पेसिफिकली बात हो रही है, अगर आप देख रहे हैं तो क्रॉनिक ड्रिंकिंग हैज शोन डीजेनरेशन ऑफ द टेस्टिकल्स. एट्रोफी क्या होता है? डीजेनरेशन. धीरे धीरे टेस्टिकल्स का क्या हो रहा है बेटा? डीजेनरेशन. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या हो रही है? श्रिंक होती जाएगी. एंड स्पर्म काउंट क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा. इट इज अ प्रूवन थिंग दैट इन मेल्स एल्कोहल ड्रिंकिंग डिक्रीजेस द स्पर्म काउंट. एंड इफ द स्पर्म काउंट इज लेस, इट इज गोइंग टू लीड टू इनफर्टिलिटी. ऑल्सो इट इज गोइंग टू अफेक्ट द इरेक्शन एंड दैट मीन्स इट इज मेकिंग द गाइज इम्पोर्टेंट. ठीक है, फीमेल्स में बात करें तो उनका रिप्रोडक्टिव साइकिल भी डैमेज हो सकता है ना? कैसे डैमेज हो सकता है बेटा? फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल कुड बी डिस्टर्ब्ड. ठीक है, तो हो सकता है बीच में मेंस्ट्रुएशन एब्सेंट हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज एमेनोरिया. या फिर डिस्टर्बेंस आ सकती है, एक मंथ एब्सेंट हो जाए अपनी डेट से, ड्यू डेट से अगर अलग हो जाए. ठीक है, प्लस इट इज गोइंग ऑल्सो गोइंग टू अफेक्ट द साइज ऑफ द ओवरी. एंड इट इफ अ पर्सन, इफ द फीमेल इज प्रेग्नेंट, इफ द प्रेग्नेंट फीमेल इज कंज्यूमिंग एल्कोहल बेटा, इट कैन लीड टू स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस. तो कहीं ना कहीं रिप्रोडक्टिव पाथवे, रिप्रोडक्टिव साइकिल, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इन पे ह्यूज इफेक्ट है. द पीपल हु वॉन्ट्स टू कंसीव बेटा, द पीपल हु वॉन्ट्स टू कंसीव, दे हैव टू बी ऑफ एल्कोहल फॉर अराउंड 1 ईयर, सो दैट वो अपने सिस्टम को हेल्दी कर पाए और ये सारे जो खतरे हैं, है ना, अबॉर्शन का या कोई डिफॉर्मिटी का खतरा है, उसको अवॉइड कर पाए. ठीक, हाँ जी. नेक्स्ट चीज, जो फीमेल्स, द फीमेल्स हु आर प्रेग्नेंट एंड हु आर कंज्यूमिंग एल्कोहल, उनके फीटस को बहुत ज़्यादा डैमेज होने के चांसेस हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज फीटस एल्कोहल सिंड्रोम. मालफॉर्मेशंस टू द फीटस ड्यू टू ड्रिंकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम. देखो, क्योंकि होगा क्या, प्रेगनेंसी के सिचुएशन में द सेल्स, द ऑर्गन्स ऑफ द फीटस, दे आर ग्रोइंग. अभी वो ग्रोइंग एज में है, उसमें अलग अलग फॉर्मेशंस चल रही हैं, मॉर्फोजेनेसिस भी चल रही है, साथ ही में बेटा डिविजन्स भी चल रही हैं. ये दोनों चीज़ें क्या हो सकती हैं? हैम्पर हो सकती हैं. सो हैवी ड्रिंकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में लीड टू चेंजेस इन द फीटस मॉर्फोलॉजी. कैसा दिखाई देगा फीटस, उस पर इफेक्ट आ सकता है. है ना, पुअरली फॉर्म्ड कॉन्का, उसके इनामल जो होंगे वो डिफॉल्टी हो सकते हैं, जो दांतों का साइज है वो फीटस का क्या हो सकता है? स्मॉल हो सकता है. उसके हार्ट में भी डिफेक्ट आ सकते हैं, डिफेक्ट इन द एट्रिया एज वेल एज द वेंट्रिकल्स. एंड जो जॉइंट्स का मूवमेंट है वो भी क्या हो सकता है? लिमिटेड हो सकता है. तो आप देख रहे हो कि आने वाली जो लाइफ है उस पर ह्यूज इफेक्ट है ना. मसल्स की मूवमेंट प्रॉपर नहीं है, आपका जो इनामल है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस है, वो भी फॉल्टी बन सकता है. और हार्ट में भी मेजर इफेक्ट. देखो, अगर हार्ट में डिफेक्ट आया तो एरिदमिया के चांसेस भी बढ़ जाते हैं एंड इट मे ऑल्सो अफेक्ट द आईक्यू लेवल, मेंटल रिटार्डेशन. राइट, हाँ जी. चलिए, नेक्स्ट इज एक्यूट अल्कोहल ड्रिंकिंग नो डाउट रिजल्ट्स इन इसोफेजाइटिस. क्या होता है इसोफेगस की इन्फ्लेमेशन को क्या बोलेंगे? इसोफेजाइटिस. गैस्ट्राइटिस, स्टमक की इन्फ्लेमेशन को क्या बोलेंगे? गैस्ट्राइटिस. पेनक्रियाटाइटिस, पेनक्रियास की इन्फ्लेमेशन को क्या बोलोगे? पेनक्रियाटाइटिस. भाई पेट तो खराब हो ही सकता है अल्कोहल, क्योंकि बर्निंग इफेक्ट है ना इसका, जिसकी बॉडी हैंडल नहीं कर पाएगी उसमें जलन होगी, जलन से आगे और भी इफेक्ट हो सकता है. सो बर्निंग इफेक्ट की वजह से इसोफेगस में, स्टमक में, पेनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन हो सकती है. जो थोड़ा बहुत लेते हैं, एक्यूट ड्रिंकर्स भी हैं. कौन है ये? एक्यूट, थोड़ा बहुत लेने वालों के पेट भी खराब हो सकता है इस तरीके से. लेकिन जो हैं आपके क्रॉनिक ड्रिंकर्स, बहुत लंबे समय तक ले रहे हैं, क्रॉनिक ड्रिंकर्स, इट मे रिजल्ट इनटू टियर इन द म्यूकोजा. आपकी जो म्यूकोजल लाइनिंग है, याद है सबसे अंदर वाली लाइनिंग कौन सी होती थी? म्यूकोसा. म्यूकोसा के ऊपर कौन सी होती थी? सब म्यूकोसा. सब म्यूकोसा के ऊपर कौन सी होती थी? मस्क्युलारिस एक्सटर्ना. एंड मस्क्युलारिस के ऊपर कौन सी होती थी बेटा? सिरोसा. तो जो लोग बहुत लंबे समय तक अल्कोहल पीते हैं उनका क्या डैमेज हो जाएगा? देयर इज गोइंग टू बी टियर इन द म्यूकोसा, छेद हो जाएगा, फट जाएगा वो म्यूकोसल लेयर. ठीक है, एट द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जंक्शन. क्या होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जंक्शन बेटा? स्टमक और इंटेस्टाइन का जंक्शन, यही है ना जंक्शन.
है ना, यहाँ पर स्टमक खत्म हुई और इंटेस्टाइन शुरू हुई. दिस सिंड्रोम इज कॉल्ड एज मैलरी वियर्स सिंड्रोम. ठीक है, तो जो लोग क्रॉनिक ड्रिंकर्स हैं उनकी जो एक लेयर है, वॉल है, वो ही टीयर हो जाएगी, है ना. दैट इज कॉल्ड एज बेटा मैलरी वियर्स सिंड्रोम. इज दिस क्लियर? सब बच्चे मैम को बताइए, सब बच्चे बताइए हार्ट्स बना के चैट सेक्शन में कि हमें ये जो इफेक्ट है ये समझ आ रहे हैं कि कैसे कैसे आपके ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं. एक नहीं, बहुत सारे, मल्टीपल ऑर्गन्स दे कैन गेट डैमेज्ड. यस, दे कैन गेट बेटा डैमेज्ड, है ना. चलिए, सो बेसिकली जो लोग, मैंने आपको बताया अल्कोहल इज गोइंग टू अफेक्ट द जजमेंट, क्या सही है क्या गलत है, राइट जाना था लेफ्ट जाना था, इसको यस बोलूँ इसको नो बोलूँ, हर चीज़ पे इफेक्ट आएगा, है ना. तो अगर कोई अल्कोहल पीकर गाड़ी चलाएगा, गाड़ी चलाना मतलब जज करना कि मुझे ब्रेक देनी है, कितनी ब्रेक देनी है, कितना एक्सेलरेटर दबाना है, अब कहाँ जाना है, कैसे अपना और बाकियों का ख्याल रखना है, जजमेंट इज गोइंग टू बी अफेक्टेड. आपकी आईसाइट भी इफेक्ट हो रही थी, विजन इफेक्ट हो रहा था, कोऑर्डिनेशन क्योंकि सेरिबेलम अच्छे से काम नहीं कर रहा, एंड योर रिएक्शन टाइम एज वेल. आप स्लो जाओगे, डिप्रेसेंट है, आप झट से आंसर नहीं सोच पाओगे कि हाँ मुझे ऐसा करना है. तो बेटा ड्रिंक एंड ड्राइव, इट्स अ वेरी वेरी डेडली कॉम्बिनेशन जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो अवस्था यहाँ चल रही है. देखिए, इस पर्सन ने खुद को तो रिस्क में डाला ही डाला है, अपने साथ चार और आदमियों को रिस्क में लेकर चल रहा है. सो इवन इफ समवन कंज्यूम्स इट, तो प्लीज़ उसके इफेक्ट जानते हुए, उसके रिस्पॉन्सेज जानते हुए, डू नॉट एवर ड्राइव और डू नॉट लेट योर फ्रेंड और योर फैमिली मेम्बर ड्राइव अंडर द इफेक्ट ऑफ एल्कोहल. क्योंकि आपने एक नहीं, ऐसे बहुत हजारों केसेस सुने हैं जिसमें ड्रिंक एंड ड्राइव हैज़ लेड टू मेजर मेजर एक्सीडेंट्स. क्योंकि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, आप उस टाइम इतने हाइटेंड इमोशंस में होंगे कि स्पीड इतनी ज़्यादा होगी, अगर आगे कुछ भी आया तो बेटा आपका रिएक्शन टाइम स्लो है, उतने में तो बेटा काम हो चुका होता है. ठीक है, सो ड्रिंक एंड ड्राइव इट्स टोटली इज अ नो थिंग एंड इट इज़ ऑल्सो अ क्राइम, इट्स अ क्राइम, राइट, इट दे शुड नेवर गो टुगेदर. ठीक है, इसके अलावा बेटा घर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. जो लोग बहुत लंबे समय से अल्कोहल पीते हैं यार, उनका ना काम में मन लगेगा, उनको सिर्फ अल्कोहल ही चाहिए. सो एब्सेंस फ्रॉम द वर्क, काम पे नहीं जाएंगे तो काम पे रखेगा कौन, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, आपस में पार्टनर्स के साथ इशू हो सकते हैं, दैट इज मैरिटल इशूज, है ना, चाइल्ड अब्यूज, बच्चों को मारना, बच्चों को डांटना, यू नो अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करना अपने पार्टनर और बच्चों के साथ, एक बहुत ही वायलेंस वाला माहौल रखना, सो इट मे लीड टू वायलेंस, ट्रैफिकिंग एंड फाइनेंशियल डिफिकल्टीज. जो कमाया उससे सिर्फ हमने पी लिया, तो यार आपकी फैमिली में तो प्रॉब्लम आएगी फाइनेंसिस की. आप अपने बच्चों को किस तरीके से एजुकेट कर पाओगे, कैसे ख्याल रख पाओगे, नहीं रख पाओगे, है ना. होल फैमिली सफर्स बिकॉज ऑफ वन ड्रिंकर, क्रॉनिक ड्रिंकर इन द होल सोसाइटी. ठीक है, सुसाइड अटेम्प्ट्स आर ऑल्सो कॉमन इन द एल्कोहलिक्स, बहुत सारे लोग सुसाइड भी करते हैं. ठीक, चलिए, सो एल्कोहल के बारे में सबको क्लियर. अब तो बच्चे बोलेंगे कि नहीं मैम नहीं करेंगे हम, है ना, नहीं मैम हम ये चीज नहीं करेंगे. बिल्कुल होने वाला है यार साहिल, ऐसा किसने कहा. आज मैं आपको सारा प्लान रिलीज कर दूंगी, जो 30 डे वाला क्रैश कोर्स है, इट इज गोइंग टू हैपन, इट विल हैपन, डू नॉट यू गाइज वरी, वो चीज होगी और होकर रहेगी. ठीक है, टेंशन मत लो तुम लोग, आज मैं प्लान रिलीज कर दूंगी. ठीक, हाँ जी, पक्के से. और सिर्फ बायोलॉजी की नहीं, फिजिक्स और केमिस्ट्री भी हम आपका 30 डेज में कवर करेंगे. ये बात कर रही हूँ मैं 2021 से, टेंशन मत लेना बारहवीं वालों, तुम्हारे लिए आराम आराम से चल रहे, स्लो स्लो चल रहे, हर चीज़ समझाते हुए चल रहे हैं. ठीक, देखो मेरा एक अलग सा फंडा है, मैं कभी भी नहीं सोचती कि ये यूट्यूब का बच्चा है या फिर ये किसी और प्लेटफॉर्म का बच्चा है. मैं जिस भी क्लास में जाऊँ, चाहे वो प्लस की क्लास हो, चाहे सब्सक्रिप्शन वाली हो, चाहे यूट्यूब क्लास हो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर एक भी बच्चा उस क्लास को अच्छे से देख रहा है, चाहे एक भी बच्चा बैठा है, चाहे कोई नहीं बैठा है, मैं उतनी ही शिद्दत से पढ़ाऊंगी जैसे मैं किसी भी अदर प्लेटफॉर्म, पेड प्लेटफॉर्म या कहीं भी पढ़ाती हूँ. ठीक है, तो मेरे एंड से कभी भी ना सिलेबस कंप्लीशन की प्रॉब्लम आई है, ना ही प्लस पे आई है, ना ही यूट्यूब पे आई है, ना ही मैं आने दूंगी, बिकॉज आई अंडरस्टैंड यू गाइज. मुझे ऐसा लगता है कि यार ये मेरे बच्चे हैं, मैंने अगर इनके साथ शुरुआत की है तो ख़त्म भी मैं ही करूँगी, आपको मेडिकल कॉलेज तक भी मैं ही छोड़ कर आऊँगी. राइट, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. अल्कोहल ड्रिंकिंग आपको पता चल चुकी है, डैमेज मेनली टू द लिवर, बट और भी अदर वेरियस फील्ड्स में वेरियस ऑर्गन्स इफेक्ट हो सकते हैं. नेक्स्ट टाइप ऑफ एडिक्शन विच इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया, वेरी वेरी कॉमन इन इंडिया, इज स्मोकिंग.
ठीक है, स्मोक जो लोग करते हैं उस सिगरेट में, उस बीड़ी में, उस चीज में क्या प्रेजेंट होता है? टबैको. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टबैको. ठीक है, टबैको एडिक्शन. सो टबैको इज व्हाट, क्या है? देखिए, एक पौधा है, बॉटनी में आपने पढ़ा होगा, इट इज बेसिकली निकोटियाना टबैकम एंड निकोटियाना रस्टिका विच बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ सोलनेशिया. ये आप देख रहे हैं टबैको के प्लांट्स, ठीक है, एंड इट्स अ नेटिव ऑफ साउथ अमेरिका. मेनली कहाँ पर मिलता है बेटा? साउथ अमेरिका का. रेड इंडियंस फर्स्ट स्टार्टेड स्मोकिंग ड्राइड एंड द क्योर्ड लीव्स ऑफ दिस यंग फॉर्म. तो स्टार्टिंग में उन्होंने कोशिश कैसे की, मतलब इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? ये जो इसकी टबैको की लीव्स है उसको सुखा कर बेटा उनको स्मोक करके इनहेल करना शुरू करा. इट्स अ फॉर्म ऑफ गुटका विच इज केप्ट बिटवीन लिप्स एंड गम्स फॉर सम टाइम एंड देन स्पैट. तो जो स्टार्टिंग करी इन्होंने, पत्तियाँ ली बेटा और उनको थोड़ा सा प्रेस करके एंड देन दे केप्ट इट बिटवीन देयर टीथ एंड देयर गम्स और उसको वहाँ से कंज्यूम किया. जैसे आज के ज़माने में आप कुछ लोगों को देखते हो दैट दे कंज्यूम गुटका, चू करते रहते एंड देन दे थ्रो द सब्सटेंस, रेड कलर सब्सटेंस. ठीक है, तो वेज ऑफ टबैको यूज आज के टाइम पे बेटा कैसे यूज होता है? वन, इट इज स्मोक्ड, स्मोकिंग के थ्रू. दूसरा बेटा च्यूइंग, वही गुटका वाली बात आ गई, च्यूइंग. एंड नेक्स्ट इज स्नफिंग, इनहेल करना. ठीक है, इनहेल कर जाना, दैट इज स्नफ करना. चलिए सबसे पहले आते हैं स्मोकिंग टबैको. जो लोग स्मोक करते हैं टबैको कैसे करेंगे? फर्स्ट दे विल यूज सिगरेट. सिगरेट की हेल्प से स्मोक होता है. तो सिगरेट क्या होता है, आपने देखी हुई है सिगरेट. ठीक है, सो इट्स अ नैरो सिलेंडर, सिलेंड्रिकल फॉर्म है, कंटेनिंग साइको एक्टिव मटीरियल लाइक टबैको. ठीक है, टबैको प्रेजेंट होगा क्योंकि टबैको एडिक्शन कर रहे हैं. एंड टबैको रूप्ड इनटू थिन पेपर फॉर स्मोकिंग. ऐसे पेपर में बेटा खुद से भी बन सकता है और जो प्री फॉर्म आती है उनमें भी इस तरीके से पेपर में रैप्ड टबैको प्रेजेंट होगा विच इज लाइटेड एंड देन इट इज स्मोक्ड, राइट, है ना. दूसरा क्या होता है इसका और ज़्यादा जनरल फॉर्म, दैट इज बीड़ी. सो बीड़ी में क्या हो रहा है, टबैको रैप्ड इन अ पीस ऑफ टेंडू लीव्स. बीड़ी कैसे बनती है? टेंडू लीव्स की हेल्प से. यहाँ पर आप देख रहे हैं, सो टेंडू की पत्तियाँ लेकर उसमें टबैको लेके उसको रोल कर दिया जाता है. ठीक है, टाइड विद अ स्ट्रिंग और अधेसिव एट वन एंड. तो धागे से किसी तरीके से या फिर किसी और चिपकाने वाली चीज से उस लीव को रैप किया जाएगा और उसके अंदर क्या भरा जाएगा, टबैको भरा जाएगा. इस तरीके से आप देख रहे हैं दैट शी इज रैपिंग दिस मटीरियल इनसाइड द टेंडू लीव्स, राइट. हाँ जी, और कैसे लिया जा सकता है टबैको? लिया जाता है दैट इज वाया हुक्का ऑल्सो, है ना. हुक्का इज हबल बबल. सो हुक्का इज अ सिंगल और मल्टी स्टेम्ड इंस्ट्रूमेंट फॉर वेपोराइजिंग. बेसिकली इट्स अ वेपोराइजर. इसमें से ऐसे धुआं निकलता है तो वेपर्स निकलते हैं, वेपोराइजर. एंड स्मोकिंग फ्लेवर्ड कैनबिस, टबैको और समटाइम्स ओपियम. इसमें कुछ भी स्मोक किया जा सकता है. हुक्का में बेटा ऊपर एक कोयला होता है, जलने वाला सब्सटेंस होता है जिसके ऊपर आप किसी भी चीज़ को यूज़ करके उसको यूज़ कर सकते हैं, राइट. सो द वेपर्स और स्मोक पास थ्रू द वाटर बेसिन बिफोर इनहेलेशन. इस तरीके से पानी भरा होगा और वहाँ से वेपर्स क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे. फिल्टर लगा होता है एक तरीके का. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अ वे बाय विच टबैको हैज़ बिन यूज. दूसरा वे आता है बेटा स्मोक करने के अलावा, नेक्स्ट इज च्यूइंग. च्यू भी किया जाता है इसको, कैसे? सो वेन पाउडर टबैको इज टेकन थ्रू नोज इट इज कॉल्ड एज स्नफिंग. तो च्यू करना आप जान चुके हो, दैट इज वाई अ गुटका. अगर नाक के थ्रू लिया जाए इस तरीके से, उस चीज को क्या बोलते हैं? स्नफिंग बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा जी? स्नफिंग बोलते हैं. हाँ हाँ हाँ, सब पता चल रहा है. मैं विश, मुझे आई एम गेटिंग ऑल द वाइब्स. बहुत नॉलेज है तुमको. ये चैप्टर ये टॉपिक मुझे लगता है आपको पढ़ाना चाहिए, है ना. सब पता है कि क्या वैरायटी है, क्या फ्लेवर है, ये है, वो है, ये. भाई इसकी नॉलेज की जगह थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ लेते, थोड़े से नीट का सामान पढ़ लेते तो थोड़ा फ़ायदा हो जाता, डॉक्टर बन जाते, है ना. ये जो जानकारी ली हुई है तुमने, ये जानकारी नीट में काम नहीं आएगी, ठीक है. और इन प्लीज़ इन चीज़ों से आप दूर रहिए. चलिए अब बात करते हैं इसकी एडिक्शन की. सो अ पर्सन विल स्टार्ट स्मोकिंग. आप स्टार्ट ही क्यों करते हो, है ना. कोई ऑफर तो करता नहीं आपको, है ना, घर में तो मिलेगा नहीं. स्टार्ट क्यों किया जाता है? बिकॉज ऑफ इंटीमेशन, नकल करना. किसकी? अगर आपने किसी बड़े को करते हुए देखा, इंटीमेशन ऑफ द एल्डर्स, शो ऑफ करने के लिए, कूल बनने के लिए, है ना. कॉलेज में बहुत शौक होता है सबको दैट आई एम अ कूल गाय, आई डू एवरीथिंग, है ना. तो शो ऑफ, वन ऑफ द रीजन इज शो ऑफ. फन के लिए, मजे के लिए कर रहे हैं यार. हम कौन सा क्रॉनिक स्मोकर्स हैं? ऐसे सोचते हैं लोग स्टार्टिंग में कि मजे के लिए कर रहे हैं, फन, जबकि कोई फन होता नहीं है, राइट. नेक्स्ट थिंग इज
क्यूरियोसिटी, जानना है कि होता क्या है, करके तो देखें. ये जो क्यूरियोसिटी है ना बेटा, इट इज द यू नो रूट कॉज ऑफ ऑल द काइंड ऑफ एब्यूज. जब आपको पता है कि यार इससे डैमेज होता है तो क्यों इतने क्यूरियस हो उसके लिए. रिलैक्सेशन, ऐसा लोगों को लगता है कि स्मोक करने के बाद दे रिलीव ऑल द टेंशन, क्योंकि ये परसेप्शन बना हुआ है, आपने ऐसा देखा है, सुना है लोगों को इसके बारे में बात करते हुए, राइट. एंड ड्यू टू पीयर ग्रुप प्रेशर, अपने दोस्तों के प्रेशर में आकर, कि अगर चार लड़कों का ग्रुप है, तीन कर रहे हैं, तो चौथा कैसे रुक जाए, है ना. एडवेंचर देखने के लिए, मजा करने के लिए, कुछ अलग करने के लिए. एंड फीलिंग अ सेंस ऑफ फ्रीडम, जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम हॉस्टल में रहने लगते हैं, जब हम पीजी में शिफ्ट होते हैं, मतलब जब हम पेरेंट्स से दूर हो रहे हैं, नई नई फ्रीडम आती है, और वो नई नई फ्रीडम आपको इन्जॉय करने में बहुत मज़ा आता है. तब आप हर वो चीज़ करना चाहोगे जिसके लिए आपके पेरेंट्स आपको शायद मना करते थे. क्यों? क्योंकि आपको तब रिस्ट्रिक्टेड फील होता है, और बाहर आके यू फील अ सेंस ऑफ फ्रीडम. जबकि ये चीज़ बिल्कुल उल्टी है. जिस चीज़ के लिए आपके पेरेंट्स आपको आज रोकते हैं, वो चीज़ आपको कभी नहीं करनी है. आज नहीं, कभी नहीं करनी है, चाहे आप कभी भी इंडिपेंडेंट हो जाएं. क्योंकि आपको ये चीज़ खुद से समझनी है, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर यू, है ना. चलिए, सो इस वजह से किया जाता है. एंड फॉर एडवर्टीजमेंट पर्पज, आपने मूवीज में कुछ ऐसा सीन्स देखे हैं, इसीलिए पर्सन स्टार्ट करता है. लेकिन जब स्टार्ट करता है तो उसको ये समझना चाहिए कि इसके अंदर सिर्फ निकोटीन नहीं है, इतनी सारी चीज़ें प्रेजेंट है. जरा देखिए ठीक है. सो देयर इज प्रेजेंस ऑफ कैडमियम, जो कि कहाँ पर यूज होता है, बैटरीज में यूज होता है. ठीक, देयर इज बेटा स्टीरिक एसिड, जिससे कैंडल वैक्स में होता है. ठीक है, देयर इज टॉलुइन, देयर इज निकोटीन, जो कि एक इंसेक्टीसाइड है. ठीक है, अमोनिया, जो कि एक टॉयलेट क्लीनर है. मेथेनॉल, जो कि रॉकेट में एज अ फ्यूल यूज होता है. कार्बन मोनोऑक्साइड का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा तुम्हारी बॉडी में, ऑक्सीजन की कमी होगी. There is arsenic, which is poison. You are taking poison inside your body. There is methane, which is sewer gas. And there is acetic acid, which is vinegar. तो आपके अंदर स्मोक करने से सिर्फ निकोटीन नहीं बेटा, ये सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस जा रहे हैं. और इनमें से कुछ सब्सटेंसेस तो ऐसे हैं विच आर कैंसर कॉजिंग. सो इट इज कार्सिनोजेनिक इन लॉन्ग टर्म. ठीक है, सो टबैको इज मोर देन जस्ट निकोटीन. जो लोग सोचते हैं कि इसमें सिर्फ निकोटीन होगा, वो बहुत गलती कर रहे हैं. क्योंकि इसमें आपको क्या मिलेगा, तार, है ना. इट्स अ विस्कस डार्क कलर्ड लिक्विड विच गेट्स डिपॉजिटेड ओवर द इंटरनल सर्फेस ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड इट इज कैंसर कॉजिंग. कार्सिनोजेनिक है बेटा. क्या है? कार्सिनोजेनिक. याद रखना इस चीज को. ठीक, कैंसर हो सकता है. साथ ही में इट कंसिस्ट ऑफ सीलियोटॉक्सिन्स. दीज आर दोज केमिकल्स विच आर हार्मफुल टू द सीलिया. आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे बेटा सीलिया है कि नहीं है, है ना. यहाँ पे पूरे नेजल एपिथेलियम में, फिर नीचे क्या काम है उस सीलिया का? जो भी डस्ट पार्टिकल जाएगा उसको ट्रैप करेंगे. ट्रैप करने के बाद बेटा म्यूकस की हेल्प से उसको बाहर की तरफ पुश करेंगे, ताकि आपका इंटरनल जो ऑर्गन्स है वो डैमेज ना हो. लेकिन अगर आप स्मोक करते हो तो आपके सीलिया क्या हो जाएंगे? डैमेज हो जाएंगे. तो एवरी डस्ट पार्टिकल इज गोइंग टू रीच टू द एल्वियोलाई, लंग्स के डीप में पहुंच रहा है. ठीक है, राइट. सो इट विल प्रिवेंट द क्लीनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी पैसेज. आपका पैसेज क्लीन नहीं रहेगा, सारी डर्ट अंदर पहुंचेगी तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस वुड बी हैम्पर्ड, सांस लेने में दिक्कत, लंबे समय बाद बेटा कैंसर कॉजिंग. सो इट इज वेरी मच मोर देन निकोटीन. और आप देखिए आपके लंग्स पर कितना ज्यादा डैमेज आता है जस्ट आफ्टर टेकिंग 20 सिगरेट्स. यस, हैव अ लुक गाइस. एक्चुअली में यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, द ट्रैकिया शुड लुक लाइक दिस. ऐसा लाइट पिंक से कलर का होना चाहिए अंदर से, लेकिन 20 सिगरेट्स के बाद ही वो लाइट पिंक से कैसा आपको ब्लैक कलर का डेपोजिशन दिख रहा है. एंड एवरीवन नोटिसिंग द इफेक्ट. इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको लंग्स पे डैमेज दिखाने की कोशिश की, एंड जस्ट आफ्टर 20 सिगरेट्स. और बहुत सारे लोग तो 20 सिगरेट्स इन अ डे और टू डेज ले लेते हैं, इतनी उनको आदत होती है. एक्चुअली में आपके जो लंग्स है दे आर रियली पिंक एंड ब्यूटीफुल कलर्ड, क्योंकि उसमें कुछ डैमेज नहीं है, क्योंकि बेटा उसमें कुछ डिपॉजिट नहीं हुआ है, क्योंकि सीलिया उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहा है. लेकिन अगर सीलिया डैमेज होगी तो हर चीज अंदर पहुंचेगी. तो बेटा इसका कलर देखिए किस तरीके का हो गया. यस, ऑब्वियसली से नो टू स्मोकिंग, से नो टू अल्कोहल. आप लोग अगर आज डिसाइड कर लेंगे तो मैं जानती हूँ सब में विल पावर बहुत होती है, सब में डिटर्मिनेशन बहुत होती है, बस सोच की बात होती है ना, राइट. सो आप इमेजिन करिए अगर 20 सिगरेट्स के बाद ये हाल है, एंड आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ स्मोकिंग आपके लंग्स की क्या कंडीशन होगी, राइट.
हाँ जी, सो निकोटीन की अगर बात करें तो सबसे मेनली आपके सिगरेट में यही प्रेजेंट होता है. सो इट्स अ चीफ टॉक्सिक स्टिमुलेटरी अल्कोहल प्रेजेंट इन द टबैको. हाईली पॉइजनस है. स्टिमुलेटरी है मतलब हार्ट रेट बढ़ाता है, हार्ट को भी डैमेज करेगा. पॉइजनस भी है एंड हैबिट फॉर्मिंग. इसकी एक क्षमता है कि इसकी एडिक्शन हो जाती है. ठीक है, इट विल स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ एड्रेनलिन. जो लोग स्मोक करते हैं बेटा उनका हार्ट रेट हमेशा ज़्यादा होता है, हमेशा ज़्यादा होता है. क्योंकि ये किसका रिलीज स्टिमुलेट करता है? एड्रेनलिन का रिलीज. लीडिंग टू हाई ब्लड प्रेशर, बीपी हाई होगा एंड हाई हार्ट रेट. एड्रेनलिन ज़्यादा तो यार हार्ट रेट भी बढ़ गया, ब्लड प्रेशर भी क्या हो गया, बढ़ गया. सो समवेयर इट इज डैमेजिंग द मसल्स ऑफ योर हार्ट एज वेल. ठीक, एंड साथ ही में बेटा क्या हो रहा है, कार्बन मोनोक्साइड भी बढ़ रहा है. इट्स अ टॉक्सिक गैस विच विल इंटरफेयर विद द CO2 ट्रांसपोर्ट. तुम्हें पता है कार्बन मोनोक्साइड क्या करता है, लास्ट क्लास में तुमको रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ाया हुआ कि अगर कार्बन मोनोक्साइड आया तो किससे जुड़ जाएगा, हेमोग्लोबिन के साथ. क्या बना लेगा? कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन. दिस इज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन. अब ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जब बन गया तो यार ऑक्सीजन तो हीमोग्लोबिन से नहीं जुड़ पाया, लेकिन ऑक्सीजन इससे जुड़ जाएगा. ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा. अगर इस तरीके से ऑक्सीजन जुड़ा सो दिस इज गोइंग टू बी इरिवर्सिबल बाइंडिंग. ऑक्सीजन अलग नहीं हो पाएगा, अलग नहीं हुआ तो आपके टिश्यूज तक कैसे पहुंचेगा, राइट? सो सिगरेट स्मोकिंग कंसिस्ट ऑफ 2-6% ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. जो लोग स्मोकर्स इनहेल करते हैं दे इनहेल एज हाई एज 400 पार्ट्स पर मिलियन एंड डेवलप वेरी एलिवेटेड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन लेवल. तो जो लोग स्मोकर्स हैं उनकी बॉडी में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा होगा और इसी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ के बैठ जाएगा तो टिश्यूज में ऑक्सीजन कम पहुंचेगा. ठीक है, हाँ जी, यहाँ पर मूवी की बात हो रही है तो मैं एक चीज़ बता दूँ बेटा, ये जो मूवी है ना, ये जो आपकी मूवी है जिसके बारे में तुम बड़ा आइडियलाइज कर रहे हो, क्या वो चीज़ आपको आइडियलाइज करने की है? यू शुड आइडियलाइज अ पर्सन हु इज़ वर्थ इट, है ना, हु डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ दीज हैबिट्स. मैंने नहीं बोला कि सारे इस प्रोफेशन में लोग इस टाइप के होते हैं, लेकिन आपको अपना माइंड स्टेबल रख के एक करेक्ट पाथवे चूज करते हुए ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना है, क्योंकि तुम यहाँ हार्मफुल इफेक्ट देख रहे हो. ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल इन नॉन स्मोकर, इसको मैं रब कर देती हूँ. अगर एक नॉन स्मोकर की बात करें तो उसमें कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कितना होता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बेटा होता है एक नॉन स्मोकर में 1% और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इन स्मोकर इज अराउंड 15%. इट्स अ ह्यूज अमाउंट, ह्यूज. ठीक है, नेक्स्ट बेटा इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. ऑक्सीजन कम हुआ तो बेटा इट कैन अफेक्ट योर ब्रेन. ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, बेहोश हो सकता है, धीरे धीरे डेथ भी हो सकती है. इट कैन अफेक्ट हार्ट एंड इट कैन अफेक्ट अदर ऑर्गन एज वेल, ब्रेन एज वेल एज हार्ट. एंड ड्यू टू हाइपोक्सिया बेटा मेंटल डलनेस, सोचने समझने की एबिलिटी कम, IQ लेवल कम, डिजीनेस, चक्कर आना का क्या होता है, डिजीनेस, हेडेक, सरदर्द होगा, ब्रेथलेसनेस बेटा सांस लेने में दिक्कत आएगी, कोमा एंड इवन डेथ. डेथ कैन हैपन आफ्टर एक्सेसिव स्मोकिंग, है ना. और क्या होगा? सो दिस इज द बेसिक कॉज ऑफ हार्ट डिजीज इन हैवी स्मोकर्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में ऑल्सो लीड टू हार्ट फेलियर. हार्ट अच्छे से काम करना बंद कर सकता है ना, बंद कर सकता है. चलिए आगे आ जाइए. नेक्स्ट इज इट कैन ऑल्सो लीड टू कैंसर. और क्या हो सकता है इससे? कैंसर. सो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लाइक बेंजोपायरीन इन स्मोक, टबैको स्मोक आर कार्सिनोजेनिक. तो स्पेशली जो लोग गुटके की फॉर्म में टबैको अंदर लेते हैं, निकोटीन को अंदर लेते हैं, उनको ओरल कैंसर होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. जो लोग स्मोक करते हैं उनको लंग कैंसर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. सो दे कैन कॉज कैंसर्स लाइक लंग कैंसर, अदर कैंसर्स एंड द थ्रोट कैंसर, है ना. इस रीजन में भी क्या हो सकता है? कैंसर हो सकता है. ओरल कैंसर इज ऑल्सो कॉमन इन रिवर्स स्मोकर्स. स्मोकिंग विद बर्निंग एंड इन द माउथ कॉमनली सीन इन आंध्र प्रदेश. देखिए वैसे तो जो स्मोक किया जाता है उसमें वन साइड इज बर्न्ड, आप जानते हैं. ठीक है, एक साइड पे लाइट किया जाता है उसको एंड वो साइड से धुआं निकलता है, आपको पता है. दूसरी साइड पर्सन माउथ में लेता है, बट देर आर सम रीजन्स इन द कंट्री जिसमें उल्टे तरीके से स्मोक किया जाता है. ये जो आपका बर्न्ड वाला पोर्शन है, इधर ध्यान देना, ये जो बर्न्ड वाला एरिया जो कि दूसरी साइड होना चाहिए था उसको अंदर की साइड लेकर भी देर आर सम रीजन्स जहाँ पर इस तरीके से स्मोकिंग की जाती है, स्पेशली इन आंध्र प्रदेश. वहाँ पर द कॉमन थिंग विच इज सीन इन दोज
persons, that is oral cancer. क्योंकि आप oral cavity में direct इतना सारा क्या ले रहे हो, धुआं ले रहा है, बिल्कुल oral cancer, ठीक है. Then there is effect on the respiratory system, damage देख ही रहे हो lungs पे. आपने देखा था मैंने trachea का, आपको real trachea का image दिखाया था, है ना. Tobacco smoke will irritate the epithelium of the trachea. आपका bronchi affected होगा, alveoli तक damage चला जाएगा. And this irritation will produce more and more secretion. And इसकी वजह से क्या होगा, खांसी भी रह सकती है. सो यू कैन सी द डैमेज टू द लंग्स स्टार्टिंग फ्रॉम द ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से पहुंचता हुआ एल्वियोलाय, ठीक है. और आपने एक रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिसऑर्डर पड़ा हुआ है, दैट इज एम्फाइसिमा, दैट इट मे ब्रेक डाउन द लंग एल्वियोलाय विच विल रिड्यूस द सर्फेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. स्मोकिंग के केस में क्या हो जाता है बेटा, एम्फाइसिमा. एम्फाइसिमा होता है कि अगर इस तरीके से आपके एल्वियोलाय हैं, देखिए 1, 2, 3, 4 बहुत सारे एल्वियोलाय हैं ताकि सरफेस एरिया बढ़े, तो यहाँ पर जो लोग स्मोक करते हैं उनका बीच में से वॉल ही गायब हो जाएगा, ये वाला हिस्सा गायब. तो अब आपको एल्वियोलाय एक इस तरीके से इकट्ठा सा पाउच दिख रहा है, तो सरफेस एरिया कम हुआ कि नहीं, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसका सरफेस एरिया बेटा जी कम हो गया, तो इस डिसऑर्डर को आप क्या बोलते हो, एम्फाइसिमा. इट मे ऑल्सो लीड टू टीबी, ठीक है. लंग्स पे इफेक्ट देख लो, यहाँ से सब क्लियर हो जाएगा, यहां से बेटा जी सब क्लियर होगा. यस, कम ऑन हैव अ लुक, दीज आर द हेल्दी लंग्स. ये वाले कौन सी हैं आपकी हेल्दी लंग्स, एंड दीज आर दोज लंग्स जो कि जो पर्सन स्मोक करता है, यू विल सी द इफेक्ट. हाँ जी, मैं इधर हो जाती हूँ, कम ऑन हैव अ लुक गाइज. दोज पिंक लंग्स, दे आर द पर्सन हु इज नॉन स्मोकर, एंड ये जो लंग्स हैं ये किसी स्मोकर की लंग्स हैं. तो यू कैन सी द डैमेज टू द एपिथीलियम ऑफ द लंग्स, यू कैन सी द डैमेज टू द साइज ऑफ द लंग्स. वहाँ पर जो लंग्स हैं उनका साइज बड़ा है, वो ज़्यादा एयर को गैदर कर सकती है, ज़्यादा एक्सचेंज हो सकता है, बट इन फ्रॉम दीज लंग्स द एक्सचेंज, द एरिया ऑफ द एक्सचेंज इज डिक्रीज, तभी आपको थोड़े से सिकुड़े सिकुड़े से लग रहे हैं लंग्स. यस, हाँ जी, जिसको ये अच्छा लग रहा है, ये इमेज देख कर रियल फीलिंग आ रही है कि ये डैमेज हो सकता है आपके लंग्स को, डू हिट लाइक करो बेटा सेशन को, शेयर करो अभी के अभी, और साथ ही में बेटा चैट सेक्शन में मुझे बताइए हार्ट्स के साथ कि यस मैम हमें ये चीज़ें देखकर एक रियल टाइम फीलिंग आती है कि किस तरीके से, और ये रियल लंग्स हैं बेटा, बिल्कुल क्लियर आपको डिपिक्शन दिख रही है, एंड इट्स अ रियल फिगर. ऐसा होता है, लोग चेक नहीं कराते हैं, लोग लंबे समय तक ये काम करते रहते हैं, अल्कोहल ड्रिंकिंग, निकोटीन को किसी तरीके से कंज्यूम करना, आइदर वाया स्मोक और वाया गुटका, है ना. उनको इफेक्ट बेटा शायद 5 महीने में नहीं, 5 साल में नहीं, लेकिन इन लॉन्ग टर्म 20 years, 30 years दे आर गोइंग टू सी सच अ ह्यूज इफेक्ट. और इन द मीनवाइल दे वुड हैव स्पेंड सो मच ऑफ मनी, सो मच ऑफ एनर्जी, और साथ साथ में शायद वो अपनी फैमिली को भी डैमेज कर चुके होंगे, है ना. राइट. वो एयर पंप करके दिखा रहे हैं आपको, आप देखिए कि इसमें एयर पंप करी जा रही है तो ये कितना फूल रहा है, कितनी एयर ले सकता है, कितनी उसकी कैपेसिटी है, जबकि इस वाले लंग में जब एयर फिल करी जा रही है तो इसकी कितनी सी कैपेसिटी बची है. तो ऑब्वियसली इसकी कैपेसिटी क्या है, ज़्यादा है नॉन स्मोकर के लंग्स की, और जो स्मोक करता है इसकी कैपेसिटी क्या है बेटा, कम है, ठीक है. सो दिस इज द मेजर इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन लंग्स. देन बेटा इट कैन ऑल्सो कॉज thromboangitis obliterans. It's an inflammation of small and medium sized blood vessel. आपकी blood vessel भी क्या हो जाएंगी, inflamed हो जाएंगी. Although any artery can be affected and it presents with the blockage of the arteries to the feet and hands leading to pain and tissue damage. तो आपकी arteries में भी क्या हो सकता है, damage हो सकता है, वो सूज सकती है, swelling आ सकती है. वैसे तो किसी भी artery में हो सकता है, लेकिन पैरों और हाथों की artery में ये चीज़ ज़्यादा देखी गई है. देखिए यहाँ पर इन्फ्लामेशन हुई, पहले डायमीटर कम था, अचानक से डायमीटर आप देखेंगे बढ़ गया है. सो दिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ द आर्टरीज, राइट. सो केमिकल्स इन टबैको में ऑल्सो इरिटेट द लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल कॉजिंग देम टू स्वेल. स्वेलिंग हो सकती है आपकी आर्टरीज में ही, ठीक है. नेक्स्ट इज डैमेज टू द आईज. इट्स अ फॉर्म ऑफ टॉक्सिक एम्ब्लायोपिया कॉज्ड बाय टबैको कंटेनिंग साइनाइड, है ना. It is marked by gradual impairment of the vision, characterized by visual field defect and hindered central division. ये देखिए, दिखना आपको कहाँ चाहिए था, एक ही फुटबॉल, फुटबॉल है ना, हाँ, एक ही फुटबॉल दिखना चाहिए था, लेकिन
टबैको के कंजम्पशन की वजह से आपको यहाँ पर दो इमेजेस और थोड़ी सी इम्पेयर्ड इमेज दिखाई दे रही है. थोड़ा सा आप देखेंगे यहाँ बननी चाहिए थी लेकिन आपको यहाँ इमेज दिखाई दे रही है. दैट मीन्स समवेयर विजन इज ऑल्सो अफेक्टेड एंड देयर इज इफेक्ट ऑन रिप्रोडक्टिव सिस्टम. जैसे अल्कोहल का इफेक्ट था वैसे ही किसका इफेक्ट है बेटा, सिगरेट स्मोकिंग का भी इफेक्ट है. सो सीलिया ऑफ द फेलोपियन ट्यूब दे आर डिस्ट्रॉयड, है ना. चांसेस ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी दे इंक्रीजेस, कि कहीं और इम्प्लांटेशन हो सकती है. एक्टोपिक प्रेगनेंसी मैंने समझाया था कि यूट्रस की जगह इफ इन्फ्लामेशन इज हैपनिंग समवेयर एल्स, है ना. स्पर्म काउंट में डिक्रीज, मेल्स की अगर बात करें तो क्या हो सकता है, ओलिगोस्पर्मिया हो सकता है. इट मे लीड टू इम्पोटेंसी, इम्पोटेंसी होगी तो इनफर्टिलिटी होगी. एंड स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मे लीड टू ग्रोथ रिटार्डेशन ऑफ द फीटस एंड इट मे ऑल्सो लीड टू अबॉर्शन. ठीक. अब बहुत सारे लोग इसको छोड़ना भी चाहते हैं, है ना. वेन दे रियलाइज दैट इट इज कॉजिंग डैमेज टू देयर बॉडी देन दे लीव, वॉन्ट टू लीव, विदड्रॉ. लेकिन विदड्रॉ करेंगे अचानक से तो विदड्रॉल सिम्टम आएंगे, रेस्टलेसनेस होगी, पसीना आएगा, शेकीनेस होगी, घबराहट फील होगी, है ना. तो जब भी किसी ड्रग को जिसको बहुत लंबे समय तक यूज़ किया जाता है अगर अचानक से उसे छोड़ा जाए तो क्या प्रोड्यूस होते हैं, विदड्रॉल सिम्टम, विच में इंक्लूड एंग्जाइटी, नर्वसनेस, इरिटेबिलिटी, अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी, डिप्रेशन भी हो सकता है, रात में नींद ना आना, ड्राइनेस ऑफ थ्रोट, डिस्टर्बेंस इन द बाउल्स एंड इंक्रीज एपेटाइट एंड क्रेविंग फॉर द टबैको. क्रेविंग होगी, खाने का इच्छा करेगी. ठीक है. सो बहुत सारे तरीके की थेरेपीज यूज की जाती है इन डी एडिक्शन सेंटर्स. वन इज साइकोथेरेपी, काउंसलिंग टू जनरेट अ स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड क्विट स्मोकिंग. बात करना अपने काउंसलर के साथ, किसी ना किसी से बात करना बहुत जरूरी है. सो दैट वो टाइम टू टाइम आपको क्या करते रहे, मोटिवेट करते रहे. ठीक है. नेक्स्ट इज रिप्लेसमेंट थेरेपी, सब्स्टिट्यूटिंग द स्मोक बाय एनी आयुर्वेदिक सिगरेट जिसमें निकोटीन नहीं होता, वो चीज़ वैसी सिगरेट उनको दे देनी ताकि वो प्लेसिबो इफेक्ट क्रिएट हो जाए. एंड निकोटीन पैचेस एंड गम्स, इस तरीके की गम्स भी आती हैं. ठीक है. एंड हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं जिसमें वी आर प्रमोटिंग नॉट टू यूज एनी टबैको एंड स्टे अवे फ्रॉम इट. सो डोंट लेट टबैको टेक अवे योर ब्रेथ एंड चूज हेल्थ नॉट टबैको. इसी के लिए अवेयरनेस के लिए हम एक डे भी सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज नो टबैको डे, विच इज ऑब्जर्व ऑन 31st of May. और यहाँ पर आप देख सकते हो कि लंग्स को कैसा डैमेज, आपको ऐसा लग रहा है जैसे लंग्स को आग लगा दी गई है. क्यों? क्योंकि आपने पूरी लाइफ में इतना ज़्यादा स्मोक को इनहेल किया है. ठीक है. सो एंटी टबैको डे इज ऑन May 31st एंड हमारे पास इंस्टीट्यूट भी है एपी में, दैट इज सेंट्रल टबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट. ठीक है. सो प्रिवेंशन हो रही है, लॉज बन रहे हैं, बट अल्टीमेट प्रिवेंशन तभी हो सकती है जब किसी पर्सन के मन में चीज वो ठान ले कि यस, इफ दे विल नॉट डू, दे विल नॉट डू. उनको ये चीज करने से कोई भी नहीं रोक सकता. तो अगर आप मन में इस चीज को ठान के रखेंगे तो कोई भी टाइप का प्रेशर, पीयर प्रेशर हो, शो ऑफ हो, क्यूरियोसिटी हो, ये सब चीजें छोटी पड़ जाएंगी. आपकी विल पावर एक बहुत बड़ी चीज है जिसको आपको रियलाइज करना चाहिए. इसी विल पावर से तुम लोग पेपर क्लियर करोगे, इसी विल पावर से तुमको एम्स मिलेगा, और इसी विल पावर से तुम लोग एक अच्छे डॉक्टर बनोगे. तो इसकी पावर को समझो. ब्रेन तुम्हें कंट्रोल नहीं करना चाहिए, तुम ब्रेन को बताओगे कि क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं अच्छा लग रहा, क्योंकि तुम्हें पूरी सोच समझ है व्हाट इज राइट फॉर योर बॉडी एंड व्हाट इज नॉट. यस. हाँ जी. तो ये बात हो गई प्रिवेंशन की. सो स्टॉप स्मोकिंग और स्टॉप ब्रीदिंग. बहुत अच्छी कोटेशन है कि या तो बेटा स्मोक करना छोड़ दो, स्मोक करोगे तो कहीं ना कहीं बेटा ब्रीदिंग में इश्यूज आएंगे और स्टॉप ब्रीदिंग. आप देख रहे हो कैसे सिगरेट्स भरी हुई है इस पर्सन के लंग्स के अंदर, है ना. चलिए, तो ये बात हो गई हमारे सारे टाइप के अब्यूज की. सब टाइप के हमने ड्रग अब्यूज कर लिया है, अल्कोहल अब्यूज कर लिया है, निकोटीन का ओवर यूज कर लिया है. अब बात करते हैं कि अगर इसी तरीके की पढ़ाई और इससे एक लेवल नेक्स्ट की पढ़ाई जिसमें आप मेरे से बात कर पाए जो यूट्यूब पे नहीं कर सकते, जिसमें आप मेरे से डाउट पूछ पाए जो यहां पर पॉसिबल नहीं है, जिसमें आप मेरे से जितने डाउट पूछना चाहें उतने ले पाए, मेरे हैंड रिटन नोट्स ले पाए, जिसमें हम लोग आपस में बैठ के डिस्कशन कर पाए, आपकी काउंसलिंग कर पाए और आपको एक ऐसी गाइडेंस दे जिससे आपका नीट क्रैक होकर ही रहेगा, वो पॉसिबल है बेटा हमारे प्लस प्लेटफॉर्म पे. एंड अभी के लिए वंस इन लाइफ टाइम चीजें चल रही हैं जो दोबारा नहीं आएगी. जुलाई में क्या चल रहा है, एक बहुत बड़ा ऑफर, दैट्स अ बिग कॉम्बो ऑफर फॉर नीट प्लस IIT बोथ. सो गेट दिस जम्बो कॉम्बो ऑफर एट दिस प्राइस, बट दिस इज वैलिड ओनली फॉर 16th of July. ठीक है. सो आप नीट UG और IIT JEE का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं इस तरीके से. ठीक है. तो ये ऑफर लेकिन याद रखना,
सिर्फ 16 जुलाई तक है एंड जो कोड आपको यूज करना है दैट इज गोइंग टू बी सीप लाइफ. ठीक है, कौन सा कोड यूज करेंगे बेटा जी? सीप लाइफ. और इसके अलावा बैच भी स्टार्ट हो रहा है, दैट इज फ्रॉम 7th of July संजीवनी बैच इज स्टार्टिंग, जिसमें आपको पूरी अनअकैडमी नीट की टीम मिलेगी फॉर 2022 एंड 2023. 16th of July तक बेटा जो इस बैच में एनरोल कर लेगा, जो सब्सक्रिप्शन ले लेगा, कैसे? बाय यूजिंग दिस कोड. इस कोड को यूज करने के फायदे क्या है मैं तुम्हें बता देती हूँ, तुम्हें हर जगह मिलेंगे फायदे. बेटा ये है कि आप आ जाते हो सबसे पहले मैम की पर्सनल मेंटोरशिप में, आपको मिलते हैं मैम के हैंड रिटन नोट जिसमें तुम्हारी एनसीईआरटी, तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हर चीज कवर हो रही है. आपको मिलती है बेटा सारी चैप्टर्स की डीपीपी, आपको मिलते हैं सारे चैप्टर के पीडीएफ, और अगर तुम लोग आइकॉनिक हो तो पीडीएफ का तुमको हार्ड कॉपी दिया जाएगा तुम्हारे घर पर. यस, इट इज पॉसिबल. साथ ही बेटा आपके होते हैं सारे डाउट सॉल्व. जिस दिन आपको डाउट आया उस दिन बेटा मैम आपके डाउट सॉल्व करती हैं. अगर मैम नहीं है तो देर वी हैव डाउट क्लियरिंग एजुकेटर्स हु आर गोइंग टू सॉल्व योर डाउट्स विद इन मिनट्स. तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे बाय टेकिंग सब्सक्रिप्शन. इसके अलावा आप बाकी भी किसी भी बैच में एनरोल कर सकते हो. वंस यू आर पार्ट ऑफ प्लस प्लेटफॉर्म देयर इज नो बार, आप किसी से भी जाकर पढ़ सकते हो मल्टीपल टाइम्स. एक टाइम पे 10 टीचर्स, 12 टीचर्स, जितने टीचर्स है सबसे पढ़ सकते हो. तुम्हारे पास टाइम होना चाहिए, है ना. वी हैव नर्चर बैच, रोहन बैच, अतुल्य बैच, ठीक है. और साथ में जो कॉम्बो ऑफर चल रहा है आइकॉनिक के लिए, जुलाई जम्बो ऑफर, जिसमें 1 ईयर का डिस्काउंटेड प्राइस तुम्हें दिख रहा है. पहले था 65,000, अब तुम्हें मिल रहा है 59,999. देन 2 ईयर का बेटा 1 लाख था, अब मिल रहा है 79,999. ये ह्यूज डिस्काउंट है, लेकिन बेटा सिर्फ कब तक है याद रखना, 16th जुलाई तक. साथ ही में जो लोग प्लस लेते हैं आइकॉनिकली लेते हैं, देखो आइकॉनिक में सबसे बड़ा बेनिफिट होता है तुमको प्रिंटेड नोट्स मिलते हैं तुम्हारे घर पर. जो लोग आइकॉनिक 12 मंथ, 18 मंथ और 24 मंथ का लेते हैं, अगर तुम प्लस का भी लेते हो तो भी ह्यूज ऑफर तो है ही है, ठीक है. और अगर तुम 2 ईयर्स का प्लस लेते हो तो 2023 31st of August तक तुमको सब्सक्रिप्शन मिलती है. तब तक तो यार पेपर हो ही जाएगा 2023 का, तब का डिले नहीं होगा, ठीक. एंड जो लोग मेरे से क्रैश कोर्स करने का रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो आपका क्रैश कोर्स बेटा यूट्यूब पे तो मैं स्टार्ट कर ही रही हूँ. स्पेशल क्लास में भी फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकैडमी की ऐप पर क्रैश कोर्स चल रहा है, आप मुझे देख पा रहे होंगे, है ना. सो 15 डेज में आपका सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं. टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ मिल रहे हैं. 75+ hours का पूरा आपका कॉम्बो है. कैंप लग रहा है एक तरीके का, दैट इज ऑल इंडिया रिविजन कैंप, ठीक है. अगर आप आज भी एनरोल करते हैं 1st to 15th of July, कुछ दिन निकल चुके हैं, आप बहुत सारे टीचर से पढ़ चुके होंगे, मेरी क्लासेस में बहुत जल्द आने वाली है. सो फास्टली एनरोल. अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो. डाउनलोड करने पे तुमसे कोड पूछेगा, कोड डाल देना तुम लोग सीप लाइफ, तुम्हारे लिए ऐप क्या हो जाएगी फ्री, ये पूरा कैंप क्या हो जाएगा बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट. सो डू एनरोल इन दिस कैंप. आई एम गोइंग टू टेक योर सेशंस ओवर हियर, ठीक है. साथ में अगर आपको लगता है कि इतना सारा अमाउंट पे करना स्टार्टिंग में डिफिकल्ट हो रहा है, देन आप लोन के लिए भी अवेल कर सकते हैं. एक फॉर्म दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डेफिनेटली लुक इनटू, फिल दैट फॉर्म. एंड ये आपके प्लस के चार्जेस हैं, ये आपके आइकॉनिक के, एंड आपको कोड क्या यूज करना है सीप लाइफ, जिससे आप वो सारे बेनिफिट्स को अवेल कर पाए. ये मैम की प्रोफाइल का लिंक है, अनअकैडमी पे जो प्रोफाइल है वहां पर भी मैं बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस लेती हूँ, फ्री क्लासेस होती हैं, तो आप इन सारी क्लासेस में एनरोल कर सकते हो बाय यूजिंग दिस कोड. एक बात और बच्चे, आप पूछ रहे थे ना कि मैम प्रैक्टिस कहाँ से करें, टेस्ट कहाँ दें. टेस्ट के लिए भी हमारी एक टेस्ट सीरीज चल रही है विच इज कॉल्ड एज विजय परख सीरीज. ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे उसमें टेस्ट होता है. कल ट्यूसडे है, कल उसमें टेस्ट होगा, तो प्लीज़ उसमें एनरोल कर लो. एनरोल करने के लिए यू हैव टू यूज दिस सेम कोड, ठीक है. तो ये कोड लगाना, तुम्हारे लिए सारे टेस्ट क्या हो जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएंगे. फोन पे बैठ के टेस्ट दे सकते हो. सेशन का पीडीएफ आपको मिलेगा लिंक ट्री पर, यहाँ पे मैंने आपको लिंक दे दिया है. आज का सेशन अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए. मैम को फॉलो कर लो. अनअकैडमी पे प्रोफाइल का लिंक दिया हुआ है, एंड अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स यू कैन सर्च मी विद दिस नेम, यू कैन फॉलो मी एट दिस नेम @seep.pauja. मेरा बहुत यूनिक नाम है, आसानी से मिल जाएगा, ठीक. कल हम इस चैप्टर को खत्म करते हैं, बात करते हैं एडोलेसेंस की, एडोलेसेंस रिलेटेड इश्यूज की, एंड परसों वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर. तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर एंड बाय बाय.